मैं अगर बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ और आपसे मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा इसका मतलब है आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग वर्ड्स की जो कम्युनिकेशन में कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो सिर्फ सेवन परसेंट होती है फ्लेक्सीबिलिटी होगी तो क्या होगा अगर उसकी पर्सनैलिटी आपसे डिफरेंट है तो आप उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी देर के लिए आगे बात करेंगे पाकिस्तान में जो आर्ट है ना एन का वो बहुत फ्रेश है। पहला क्वेश्चन करना ज्यूरी का हक हाँ है मैं आपको ऐसे ट्रेन कर सकता हूँ जो आप चाहते हैं एच से मिलना आपको नहीं पता एचओडी कौन है लेकिन जैसे वो बंदा आता है यही होगा प्रोग्रामिंग बिल्कुल मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्या होती क्योंकि आज मैं ही आपको बताऊंगा ठीक है हमारे यहाँ जो ट्रेनर्स होते हैं ना आप भी कहीं ट्रेनिंग्स पे जाते होंगे फ़र्ज़ करें कि स्ट्रेस मैनेजमेंट पे ट्रेनर आया हुआ है वो पूछता है सबसे पहले जी आप बताएं स्ट्रेस क्या होती है फिर अगले से पूछता है फिर अगले से पूछता है इसी तरह पंद्रह बीस लोग बैठे होते हैं तो तीस चालीस मिनट लग जाते हैं तो वो सबसे डिसग्री करता नहीं ये स्ट्रेस नहीं होती तो फिर एक ख़ुद डेफिनेशन बताता है ठीक है तो वो सही होती तो बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करूँगा आज मैं ही आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें क्या होती तो बेसिकली आपका जो आज का टॉपिक है वो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है ये आपसे बड़ा ही रेलिवेंट है क्यों बिकॉज दिस साइंस इज़ फॉर द कम्युनिकेशन क्या आपने कम्युनिकेट कैसे करना और आपको पता है टीचिंग एंड ट्रेनिंग में कम्युनिकेशन कितनी इम्पॉर्टेंट है क्या ख्याल है सारी है ही कम्युनिकेशन एजेंटेड तो मैं कोशिश करूंगा कि वन और थर्टी मिनट्स में मैं इसको ज़रा कम्प्रीहेंसिवली बता दूं ये बहुत लंबा टॉपिक है इवन हमारा एक एनएलपी के ऊपर एक पूरा सिक्स मंथ्स का कोर्स चल रहा है आलेडी कासम अली शाह फाउंडेशन में तो उसमें मैं आपको एक कंपोनेंट आज उसके ऊपर मैं बात करूँगा ज़्यादा नहीं हम कर पाएंगे तो इस आ, आ, ट्रेनिंग में इस कोर्स में टुडे वाला जो हमारा टॉपिक है इसमें हम टच करेंगे कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग और कम्युनिकेशन का आपस में क्या लिंक है फिर मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि एनएलपी क्यों इम्पॉर्टेंट है टीचिंग और ट्रेनिंग में फिर कुछ टेक्निक का हम जिक्र करेंगे और एक आध टेक्निक को हम डिटेल से पढ़ेंगे ठीक है तो इसमें सबसे पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग क्या चीज़ है इसको आप कैसे डिफ़ाइन कैसे करते हैं तो आप ज़ाहिर सारे स्कॉलर बैठे हैं हमें पी एच डीज भी होंगे ज़ाहिर टीचर वैसे भी स्कॉलर होता तो इफ़ यू थिंक फिलासफिकली टीचिंग एंड ट्रेनिंग इज़ इक्वल टू कम्युनिकेशन वेरी सिंपल अगर आप फिलासफिकली इसको डिफाइन करें वैसे तो जो फॉर्मल डेफिनेशन होगी टीचिंग और ट्रेनिंग की वो काफ़ी लंबी होगी ठीक है तो कम्युनिकेशन जो है अब ये क्या चीज़ है इसको भी अगर हम फिलासफिकली डिफाइन करें तो कम्युनिकेशन जो है इसको मैं कहता हूँ कि कम्युनिकेशन रिस्पांस होता है क्या होता है रिस्पांस लाइक like मैं अगर बोलता जा रहा हूँ बोलता जा रहा हूँ और आपसे मुझे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा इसका मतलब है आई एम नॉट कम्युनिकेटिंग गॉट इट कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर रहा अगर रिस्पांस का मतलब क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है अब रिस्पॉन्स किसी तरह से भी आ सकता है आपके चेहरों से भी आ सकता है आपको क्वेश्चन भी करके जो है वो बता सकते हैं फीडबैक बता सकते हैं रिस्पॉन्स कैन भी इन डिफरेंट वेज बट कम्युनिकेशन सिंपली मीन रिस्पॉन्स इफ़ आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्राम योर साइड दैट मीन्स आई वॉज अनेबल टू कम्युनिकेट सो अब जो कम्युनिकेशन है इसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत सी स्ट्रैटीज़ हैं बहुत सी स्ट्रैटीज़ हैं लेकिन इनमें से जो नेक्स्ट लेवल स्ट्रैटजी जिसे मैं कहता हूँ जो आजकल मॉडर्न दौर में एक जो ट्रेनिंग या एक अप्रोच चल रही है उसे हम न्यूरो प्रोग्रामिंग कहते हैं जो एक एक जो अप्रोच हो सकती है वैसे कम्युनिकेशन के लिए कई अप्रोच हो सकती हैं लेकिन मैं अगर इसको ये भी कहूँ कि एन इज़ द मदर ऑफ अप्रोचेज फार कम्युनिकेशन तो उस एन के ऊपर हम बात करेंगे तो एन एल पी बेसिकली कम्युनिकेशन को मैनेज करने के लिए जो मैंने आपको एक अप्रोच आज बताई है इसे हम क्या कहते हैं न्यूरो लिंग प्रोग्रामिंग अब जितना आपको देखें आप लफ्ज़ सुनते हैं ना तो आपको आधी पहले ही समझ आ जा जाती कि ये क्या होता होगा बट एन एल पी आपके जहन में आपने अगर किसी ने पहले इसके ऊपर वर्कशॉप ली वो लैदा बात है लेकिन एन एल पी को जहन में जब आप देखते हैं ना पहली दफ़ा आपको समझ नहीं आती कि यह क्या चीज़ है और जैसे ही आपको बिल्कुल समझ नहीं आई इतनी ही ये खुश्क चीज है इतनी ही ये इसको अंडरस्टैंड करना हो सकता है आपने ये सुना हो कि मैं आपको एनएलपी के ऊपर बात करने आ रहा हूं तो आपने गूगल शूगल किया होगा यार ये क्या होती तो एब्सोल्युटली आपको गूगल से समझ नहीं आएगी गॉट इट ये थोड़ी सी ड्राई सी चीज इसको समझना ये आपको वही समझा सकता है जिसको एनएलपी आती है जो एनएलपी प्रैक्टिशनर अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा तो आपकी इजाजत से मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करता हूं कि न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स पहली जो चीज है वो न्यूरो है क्या चीज है न्यूरो दूसरा वर्ड जो है इसमें है वो लिंग्विस्टिक का है. तीसरा वर्ड है प्रोग्रामिंग तो अगर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर पाया तो इसका मतलब है कि आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनल्पी अगर आपको समझ नहीं है एनएल क्या होता तो मुझे भी बिल्कुल नहीं आती यह आपने एक चीज एन में रखनी बिकॉज मैं आपको बता रहा हूं पहले आपको बताया कि एन एल पी इज एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एन एल पी इज एन आर्ट ऑफ और अगर मैं आपको एन एल पी का जो मेरे माइंड में कॉन्सेप्ट है मैं आपको ट्रांसफर ना कर पाया इसका मतलब मुझे एनएल पी नहीं आती वेरी सिंपल ये डेफिनेशन आप समझ लें सो so, ये तीन कंबिनेशन हैं इसके न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इसमें सबसे पहले कि सबसे पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि न्यूरो क्या चीज़ है जैसे आपने नाम से थोड़ा सा आइडिया लगाया हुआ इसका तल्ला कोई ब्रेन से है माइंड से है। अब देखें जैसे ही आप कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो फर्स्ट यू नीड एन इनपुट इन योर माइंड ताकि आप उसके रिस्पांस में कुछ कम्युनिकेट करें तो जो आप इनपुट लेते हैं जो आप माइंड में इनपुट लेते हैं वो बेसिकली फाइव सेंसेस से आप इनपुट ले रहे होते हैं, जिसका आपने रिस्पॉन्स करना होता फॉर एग्जाम्पल सर आप मुझे सलाम करें जरा ये मैंने सुना ये मेरे ब्रेन में गया यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन आप जब रिसीव करते हैं एनी इंफॉर्मेशन यू रिसीव दैट इज कमिंग इन योर न्यूरो पार्ट किस में आती है और मैंने बताया कि इन्फॉर्मेशन को हम टेक्निकली इनपुट्स भी कहते हैं एन एल पी के लैंग्वेज में ये क्या है इसे हम एक्सटर्नल इनपुट कहते हैं जब एक्सटर्नल इनपुट आती है तो फाइव बेसिक सोर्सेज से आती है जिसे हम फाइव बेसिक सेंसेज भी कहते हैं वैसे देयर आर मोर देन मोर देन फिफ्टी सेंसेस इन योर बॉडी मोर देन 50 सेंसेस से आपको इन्फॉर्मेशन आती है तो हम किसी और दिन भी डिस्कस कर सकते हैं कि वो 50 सेंसेस कौन से हैं लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सेंस जिस तरह आपने पांच सेंसेस का नाम सुना होगा वो कौन सी हैं जिसमें ऑडिटरी सेंस है सुनने की सेंस है देखने की सेंस है टच की सेंस है ठीक है स्मेल की है टेस्ट की फाइव बेसिक है लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मैं ऐसे खड़ा हूँ तो ये भी एक मुझे सेंस आ रही है कि मैं बैलेंस में नहीं हूँ सो इट्स अ सेंस ऑफ बैलेंस इसी तरह देर आर मोर देन फिफ्टी सेंसेस इन योर बॉडी तो जब आप अपनी बॉडी में कोई भी चीज सेंस करते हैं तो वो ब्रेन उसको एग्जीक्यूट करता है क्या करता है यानी कम्युनिकेशन के लिए आपके पास एक चीज तो ये कि ब्रेन होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन आएगी तो उसके रिस्पांस में आप कुछ कम्युनिकेट करोगे अब होता क्या व्हेन देयर इज एन इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम आउटसाइड दैट कम्स इन योर ब्रेन जब वो ब्रेन में आती तो आपके ब्रेन में कुछ फिल्टर्स होते हैं क्या होते हैं फिल्टर्स होते हैं यानी कि जब भी आप किसी को रिस्पॉन्स करते हैं किसी इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जब आप रिस्पॉन्स करते हैं तो जो रिस्पॉन्स यहां तक आप बाहर निकाल रहे होते हैं वो पहले प्रोसेस होता है क्या होता है प्रोसेस होता है जब वो प्रोसेस होता है ना वो फिल्टर होने के बाद प्रोसेस होता है ठीक है ना किस कैसे प्रोसेस होता है फिल्टर होने के अब फिल्टर क्या चीज है फिल्टर को अगर मैं एक लफज में डिस्क्राइब करूं तो उसका नाम है एक्सपीरियंस है क्या है इसका मतलब एक जो बच्चा चार साल का ना उसका माइंड फिल्टर ही कोई नहीं होता उसका माइंड फिल्टर यानी कि आप एक बच्चे को कहें ना कि बेटा बाहर बैल हुई है चार साल का बच्चा है या पांच साल का है उसे कहें कि बेटा बाहर जाके देखो बैल हुई है तो उसे कहना कि बाबा घर पे नहीं है तो वो बाहर जाके क्या कहता बाबा के बाबा है बाबा घर पे नहीं है बिकॉज ही इज अनेबल टू मैनेज द इंफॉर्मेशन ठीक है क्योंकि उसका फिल्टर ही नहीं है जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसको पता होता है कि झूठ कैसे बोलना है बात कैसे करनी है तो उसके फिल्टर इस्टेब्लिश होते जाते हैं तो आपके कई फ़िल्टर होते हैं सर फ़र्ज़ करें मैमरी कैन बी आ फिल्टर योर मैमरी कैन बी अ फिल्टर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मैमरी पे एक एग्जाम्पल देता हूँ सर आप थोड़ी देर इधर आएंगे इफ़ यू डोंट माइंड थैंक यू ये सर हैं ठीक है तो फर्ज़ करें मैं इनका टीचर हूँ ये मेरे स्टूडेंट हैं आप मुझे ज़रा सलाम लीजिएगा हैंड शेक करना हैंड शेक करें मेरे से मैंने इनको ऐसे सलाम लिया ठीक है अब ये वाला जो एक्सपीरियंस इनके माइंड में एक मेमोरी बन गया क्या बन गया मेमोरी बन गया अब फर्ज करें आफ्टर वन ईयर ये फिर मुझे एक दफ़ा देखते हैं और ये सलाम लेना चाहते हैं इन्होंने मुझे देखा ये इन्फॉर्मेशन इनके ब्रेन में गई तो ऑलरेडी एक मेमोरी पड़ी हुई थी इनके कि मैं इनको पहले मिला था और इन्होंने मुझे अच्छी तरह सलाम नहीं लिया था अब वो वाला जो फिल्टर है इसको गाइड करेगा कि अब आपने सलाम लेना है या नहीं लेना Got it? अब इन्होंने मुझे देखा उस सन से मैसेज गया इनके ब्रेन में ऑलरेडी इनकी एक मेमोरी पड़ी थी तो उसने फिल्टर किया ये बंदा तो सलाम अच्छी तरह लेता ही नहीं मैं ना लूं या हो सकता है ये, ये सोच लें हो सकता है उस दिन सर सैड थे तो अच्छी तरह ना लिया हो मैं फिर ले लेता हूं डिपेंड्स hmm. वो मैं आगे बताऊंगा कि क्यों ये डिपेंड करता है लेकिन हुआ क्या कि मैंने आपको ये समझाना था कि जो भी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में जाती है उसका रिस्पांस बॉडी से बॉडी से देने से पहले वो फिल्टर्ड होती है थैंक यू सर आप थैंक यू वो क्या होती है फिल्टर होने के बाद उसकी एक इंटरनल फॉर्म बनती है क्या बनती इंटरनल एक इमेज बनता है क्या बनता है इंटरनल इमेज बनता है और जब वो इंटरनल इमेज आप बाहर निकालना चाहते हैं हो सकता है निकलते निकलते वो डिस्टर्ब हो जाए और ऑडियंस तक सही ना पहुंचे गॉट इट फॉर एग्जाम्पल आप टीचर हैं, आपके जहन में आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ टीचर से पहले ही सीखा हुआ है फर्ज के जिस तो मैंने कहीं से एनएलपी सीखी है तो मेरे जहन में एक इमेज आए कि एनएलपी क्या है उसका एक इमेज बना हुआ तो आप मेरे से एनएलपी सीख रहे हैं ये मुझे इन्फॉर्मेशन आ रही है एक्सटर्नल इनपुट्स आ रही है। तो अब मेरे जहन में जो एनएलपी का कॉन्सेप्ट है मैं अगर उसको वैसे ही बाहर निकाल रहा हूं और ये बहुत रेयर चांस है कि जो मेरे जहन में कॉन्सेप्ट है मैं मुश्किल हो सकता है कि मेरे से वैसे ना निकले कोई कमी रह जाए कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपको वो कॉन्सेप्ट जैसे मेरे जहन में नहीं समझ आएगा गॉट इट अब वो क्यों समझ नहीं आया उसमें कई फैक्टर्स हैं जिस फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जब आप क्लास पढ़ा रहे होते आपकी क्लास में फिफ्टी स्टूडेंट्स हैं हंड्रेड स्टूडेंट्स हैं जब आप रोज़ उनको क्लास लेते हैं फिर एग्ज़ाम्स आते हैं एक ही रूम था एक ही टीचर ने सारे कोर्सेज़ पढ़ाए एक ही इन्वायरमेंट में सारे स्टूडेंट पढ़ रहे थे लेकिन एट द एंड ग्रेड्स बहुत डिफरेंट आ रहे हैं ना एक ग्रुप के जो ए ग्रेड है दूसरा ग्रुप बी वाला है सी वाला है डी वाला है ये क्यों ऐसे है ये क्यों ऐसे बेसिकली एनएलपी इसी चीज को कैटर करती है अब मैं दोबारा डेफिनेशन पे आ रहा हूं कि एनएलपी का पहला पार्ट क्या है न्यूरो जब आप इंफॉर्मेशन लेते हैं उसका जो रिस्पांस आपने देना होता है एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स होता है पहले उसकी एक इंटरनल फॉर्म बनती है क्या बनती है जिससे हम इंटरनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं और जब आपने वो इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑडियंस को देनी या नेक्स्ट पर्सन को देनी जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो चेंज हो सकती है क्या हो सकती फर्ज करें मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ छोटे बच्चे क्योंकि टू प्लस टू फोर होते हैं अब मेरे जहन में तो बहुत क्लैरिटी है कि टू प्लस टू फोर है लेकिन जब मैं बच्चे को यह कॉन्सेप्ट देता हूं तो बच्चा नहीं समझ पा रहा बच्चा नहीं समझ पा रहा अब जिस स्टाइल से मैं उसको समझा रहा हूं वो लैंग्वेज है क्या है उसको हम लिंग्विस्टिक कहते हैं क्या कहते हैं जो दूसरा पार्ट है एनएलपी का न्यूरो समझ आया कि आपके ब्रेन के अंदर एक इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो चुकी होती है उसको अब आपने निकालना है कम्युनिकेट करना है जब आप उस इंफॉर्मेशन को निकालते हैं किसी तरीके से भी निकालते हैं उसको कॉमनली हम लिंग्विस्टिक कहते हैं कॉमनली इट इज कॉल्ड एज क्योंकि यू ऑलवेज यूज लैंग्वेज टू कम्युनिकेट अब लैंग्वेज का मतलब यह नहीं कि वर्ड्स बोल रहे हैं तो कम्युनिकेशन हो रही नो no. वर्ड्स वर्ड्स इज द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन और आपको यह शायद हैरानगी होगी कि वर्ड्स की जो कम्युनिकेशन में कंट्रीब्यूशन होती है वो सिर्फ सेवन परसेंट होती है कितनी होती है? इसका मतलब है लैंग्वेज के और बड़े तरीके हैं समझाने के लिए अब अब आप क्लास में हैं आपके जहन में कोई भी कंसेप्ट एज ए टीचर फिजिक्स है मैथ है केमिस्ट्री बायो जो भी कॉन्सेप्ट है अब आप क्लास को डिलीवर कर रहे हैं क्लास को डिलीवर कर रहे हैं एक ही टोन से आप डिलीवर कर रहे हैं तो क्या होता है एंड पे किसी का ए ग्रेड है किसी का बी ए किसी का सी ये क्यों है कभी आपने सोचा हम शायद एज ए टीचर ये सोचते हैं कि ये बच्चा मेहनत नहीं करता यस देयर कैन बी अ फैक्टर बट अकॉर्डिंग टू एन एल पी हम ये कहते हैं कि आप उनको समझा नहीं पाए एनएलपी ये कहता है कि आप उसको बच्चा फेल नहीं हुआ हम उसको पास नहीं करवा सके नहीं समझे इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कम्युनिकेट करते हैं आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं उसमें से होता यह है कि कुछ लोगों की आपको लैंग्वेज की समझ आ जाती है तो वो कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं गॉट इट कुछ को समझ नहीं आती समझ इसलिए उनको ये नहीं आप कह सकते कि उसको समझ नहीं आई एन एल पी ये कहता है कि आप नहीं समझा सके गॉट इट अब इसमें बड़ा फैक्टर क्या होता है कि आपकी क्लास में अगर सौ बच्चा बैठा तो उनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट है उनकी पर्सनैलिटी कुछ लोग किसी खास तरीके से सीखना चाहते हैं कुछ किसी खास तरीके से सीखना चाहते हैं कुछ किसी खास तरीके से सीखना चाहते हैं आपकी तो एक ही पर्सनैलिटी है आप एट अ टाइम एक ही अंदाज से जब पढ़ाएंगे तो हो सकता है जो आपके रिलेटेड लोग बैठे हुए वो अच्छा सीख जाएं जो आपसे रिलेटेड नहीं है वो अच्छा ना सीख पाए द मेन फैक्टर इज दैट मेन फैक्टर क्या है देखें कभी ऐसा हुआ है कि आप क्लास में आके पढ़ाएं और सौ का सौ बच्चा ही कहकर नहीं है टीचर को तो पता ही नहीं है कभी ऐसे नहीं हुआ होगा कभी ऐसे उसमें से पंद्रह बीस परसेंट एक कहेंगे कि नहीं यार टीचर सही है कोई इशू नहीं कुछ एवरेज होंगे कुछ कहेंगे नहीं बिल्कुल ही सही नहीं अब अगर आप अपने आप को इस तरह ट्रेन करें कि हंड्रेड का हंड्रेड बच्चा आपसे एग्री हो कि यार ये टीचर अच्छा है तो ये आपको एनएलपी ट्रेन कर सकता है कौन कर सकता है एनएलपी वो कैसे अभी मैं वही एक्सप्लेन करता हूं जिस तरह एनएलपी स्टैंड फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक न्यूरो का समझ आ गया कि आप इंफॉर्मेशन जब ब्रेन में लेके आते हैं वो फिल्टर होने के बाद उसका एक इमेज बन जाता है देखिए आपके जहन में हर चीज़ का एक इंटरनल इमेज है जिस तरह मैं अभी आपको एनएल पी सिखा रहा हूँ तो मेरे अंदर जो एन एल पी की डेफिनेशन है शायद अभी तक आपको पूरी नहीं मिली क्योंकि अभी तक मैं पूरी इनकलकेट नहीं कर सका अब मुझे पता है कि आप तक वो डेफिनेशन कैसे इनकल्केट करनी जी पहला पार्ट क्या था न्यूरो yeah. yeah. दूसरा पार्ट क्या है लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक का मतलब यह है लैंग्वेज के जरिए जो इंटरनल इंफॉर्मेशन पड़ी उसको हमने आउटसाइड लेके जाना है। अब लैंग्वेज मैंने कहा कि लैंग्वेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स लैंग्वेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ जेस्चर लैंग्वेज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ बॉडी लैंग्वेज

वो एज सच हंड्रेड परसेंट तब आपके पास जाएगा जब मेरी लैंग्वेज आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक अप्रोप्रिएट होगी लैंग्वेज क्या होगी अप्रोप्रिएट होगी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बड़े ब्रॉडली तरीके से एक्सप्लेन कर मेरे पास सामने एक डेफ बच्चा है मैं उसको टू समझाना बताना चाहता हूं कि मेरे पास टेन रुपीज हैं तो मैं उसे ऐसे कह सकता हूँ कि आई हैव टेन रुपीज इसका मतलब वो किसी और तरह से सुनना चाहता है या समझेगा ये मैंने ब्रॉडली आपको बताया लेकिन नॉर्मल लोगों की पर्सनैलिटी भी डिफरेंट होती है वो किस तरह फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी बातों से फ़र्क पड़ता है फर्श करें मैं बहुत लाउड बात कर रहा हूँ ना एक स्टूडेंट के साथ हो सकता है वो लो वॉइस टोन को प्रेफर करता हूँ तो अगर मैं उससे लाउड वॉइस टोन में बात करूंगा हो सकता है वो एंक्शियस हो जाए उसे बोर हो जाए अच्छा ना लगे उसे तो मेरी चीज़ों को इग्नोर कर सकता मुझे कंसेप्चुलाइज नहीं कर पाएगा वो सिर्फ मैंने सिर्फ एक लेवल पे बात की किसकी वॉइस टोन की तो आपके अंदर जो आपने कहा नहीं मैंने तो बहुत अच्छा पढ़ाया लेकिन आपने सिर्फ उसका इतना ख्याल नहीं रखा कि वो बंदा कौन सी टोन को पसंद करता है किस किस स्टाइल से किस एग्जाम्पल से वो सीखना चाहता है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक देसी मिसाल देता हूं कुछ कर मैं ऐसे खाने की एक कुकिंग की रेसिपी से मिसाल दे देता हूं आप में से कुछ बंदे का, यार ये क्या है खानों वानों की बातें शुरू कर दी लेकिन एक बंदे को अच्छा लगेगा गॉट इट तो आपने क्या करना है इफ यू वॉन्ट टू इनकलकेट या ट्रांसफर अ रियल कॉन्सेप्ट दैट इज प्रेजेंट इन यूर माइंड और आपको उसको एज सच ही अगले बंदे तक ट्रांसफर कर दें तो इसको हम एनएलपी कहते हैं अगर आप एज सच वो कंसेप्ट अगले बंदे को ट्रांसफर ना कर पाए तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन नहीं हुई क्योंकि आपने कुछ सीखा नहीं और रिस्पॉन्स नहीं आया इसका मतलब कम्युनिकेशन और इफ देर इज नो कम्युनिकेशन दैट मीन यू डजेंट नो द आर्ट ऑफ एनएलपी गॉट इट अब देखे होता क्या है कि मैं फ़र्ज़ करें मैम आपको सिखाना चाह रहा हूँ कुछ ठीक है आप मेरे पास सीखने आई हैं अब मेरे जहन में जो कॉन्सेप्ट है वो मैं अपने मुताबिक ही ट्रांसफ़र कर देता हूँ हो सकता है मेरी जो पर्सनैलिटी है आपकी पर्सनैलिटी से मैच ना कर पा रही होगी तो आप एक कंप्रोमाइज़ आपकी लर्निंग होगी अब अगर मैं ये कह लूँ कि जिस तरह आपकी पर्सनैलिटी में उसी तरह आपको सिखाऊं उसी अंदाज में सिखाऊं तो आपकी लर्निंग अच्छी होगी तो हमें करना क्या होगा एज ए पर्सन आई विल चेंज माई सेल्फ अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी आई विल चेंज माई सेल्फ अदर पर्सन पर्सनैलिटी सो ये जो एबिलिटी है चेंज करने की ये जो एबिलिटी है चेंज करने की इसको प्रोग्रामिंग कहते हैं क्या कहते हैं प्रोग्रामिंग अब दोबारा डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं प्रोग्रामिंग योर बॉडी एबिलिटी एंड माइंड टू सिंक्रोनाइज योर ब्रेन एंड लैंग्वेज विद द अदर पर्सन अगर आप में ये एबिलिटी है कि आप अपने माइंड के लेवल को अगले बंदे की पर्सनैलिटी के मुताबिक एक पेज पे लेके आ जाएं तो इस प्रोग्रामिंग को या इस एबिलिटी को हम न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कहते हैं नहीं समझ आई टाइम होता है क्या जो मैं क्लास के दोबारा क्लास पे आता हूं जब क्लासेस के नंबरों की बात करते हैं जो फर्ज करें सौ में से दस बच्चों की ए ग्रेड है वो नेचुरली टीचर की पर्सनैलिटी के मुताबिक होते हैं वो नेचुरली क्योंकि टीचर को मेहनत नहीं करनी पड़ती कि मैं चेंज हूं उसको तो पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है जो टेन ए ग्रेड्स आ रहे हैं वो नेचुरली देखिए मैं हूँ तो मेरे पर्सनालिटी के मुताबिक और बंदा भी बैठा होगा वो मुझे ज़्यादा पिक करेगा वो मुझे एज़ कंपेयर टू जिसमें मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है वॉइस टू उनकी सिर्फ एक मिसाल दी और बहुत सी चीज़ें आने वाली हैं अगली क्लास में कि फ़र्ज़ करें मैं आपने अक्सर कभी देखा होगा आपका फ़र्ज़ करें कोई फ्रेंड है ठीक है या कोई फैमिली मेम्बर है तो वो फोन पे बात कर रहा है तो ऊंची ऊंची बात कर रहा है तो आप कहते हैं यार हौली गल कर ला गल जा रही है इसका मतलब है कि आपको पसंद नहीं आई ऊंची आवाज आपको पसंद नहीं आई ये जैसे ही होता है कि फर्ज करें यहां पर आप क्लास में टीच कर रहे हैं तो अगर आप बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को पसंद नहीं होगा कुछ को होगा फिर आप एक क्वेश्चन जहन में अभी लिख लें कि भाई अगर सौ बच्चा है तो हम क्या करें हम कितने एट अ टाइम कितने लोगों के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज हो ये क्वेश्चन लिख लें आपने पूछना गॉट इट हम क्या करें ये भी आपको बताऊंगा कि आपने क्या करना सो so, अभी एनएलपी का पता चला एनएलपी क्या है कि अगर आप अपने आप को इस तरह चेंज करें कि आपके जो जहन में कॉन्सेप्ट है उसको समझाने के लिए अगले बंदे के लेवल पे आ जाए अभी मैं बिल्कुल सादा मिसाल में जाने लगा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैं आपको टू प्लस फ़र्ज करें आपको टू प्लस टू का कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपको सिखाऊंगा मैं सिंपल कहूंगा कि टू प्लस टू फोर होते हैं आपके यहाँ होते हैं लेकिन अगर आपकी जगह पे छोटा बच्चा हो फोर क्लास का तो उसको मैं ऐसे सिखा सकता हूँ कि टू प्लस टू फोर होते तो कैसे सिखाऊंगा? ये देखे बेटा ये एक है ये दो है ठीक है यानी मुझे एक्टिव मुझे उसके लेवल पे आना पड़ेगा मट्टी में बैठना पड़ेगा उसके साथ नीचे बैठना पड़ेगा तो फिर उसको समझ आएगी बच्चे को ऐसे थोड़ी समझ यार टू प्लस टू फोर होते हैं चलो जी अब मैंने सादा सी एग्जाम्पल दी है इसी तरह आप डोंट फॉगेट एवरी पर्सन फ्रॉम इनर साइड इज अ चाइल्ड हम हम समाइम अपना बचपन कभी कभी दिखा रहे होते हैं आपसे मैनिपुलेट नहीं हुआ जाता जिससे मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर आप लो वॉइस टोन पसंद करते हैं तो आप बता देते हैं यार हॉली कल कर लगे जा रही बाज ये आपका वो बचपन निकल आया बाहर तो आप जब सीख रहे होते हैं तो आप सब कॉन्शियस माइंड से सीखते हैं तो सब कॉन्शियस माइंड ऐसे सबका एक जैसा ही होता है जैसे बच्चे का होता और बड़े का होता तो हम 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 इस चीज को फील नहीं कर पा रहे होते अनकॉन्शियसली हमें लोग अच्छे लग रहे होते हैं आपने कभी ऐसे सुना होगा किसी से कि फ़र्ज़ करें आप किसी से कहते हैं कि यार उन्हें छाड़ दे वो कहता नहीं नहीं मैंने उसे छड़ना वो बड़ा अच्छा बंदा है आप उसे कहते अच्छा कोई दी अच्छी गाल दस वो कहेगा नहीं यार ये नहीं पता मुझे वो पत्नी क्यों अच्छा लगता है कभी आपने सुननी ही होगी ऐसी बात वो बेसिकली आप आपको अनकॉन्शियसली अच्छा लग रहा होता है आपके पीछे जो अंदर आपका माइंड है वो आपको गाइड कर रहा होता है आपको पता भी नहीं होता तो इसी तरह टीचिंग भी ऐसे होती है कि हम यार वो बुरा टीचर क्यों क्यों यार पता नहीं क्यों मुझे मुझे नहीं समझ आती क्यों वो ऐसा है इट वो उस लेवल पे आकर नहीं पढ़ा रहे होते या पढ़ा रहे होते सो so, का डेफिनेशन क्या है इफ यू कैन चेंज यूर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस टू ट्रांसफर द कॉन्सेप्ट एज सच दैट इज प्रेजेंट इन यूर माइंड अगर जिस तरह मैंने आपको एन की डेफिनेशन एंटरटेन कर दी है ना अगर आपको नहीं आई तो इसका मतलब मुझे एन नहीं आती ये मैंने आपको देखे मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि एन जो कम्युनिकेशन की ये स्किल है बड़ी ड्राई सी है इसको समझाना बड़ा मुश्किल है आप गूगल से जाके पढ़ेंगे आप शायद आपको समझ आ जाए वहाँ कि ये क्या कह रहा है अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आनी थी इसका मतलब है कि इफ़ आई आज अनेबल टू ट्रांसफर द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ एनएलपी टू यू दैट means आई नो एनएलपी अदरवाइज नहीं आती अब आगे क्या होगा सपोज हमें कैसे पता चलेगा कि जो मुझसे मिलने आए या जिससे आप कम्युनिकेट या निगोशिएट कर रहे हैं उसकी पर्सनालिटी क्या है फिर उसके मुताबिक उसको आप कम्युनिकेट करें इसके लिए आपने दो काम करने हैं एक काम तो आपने ये करना है कि पहले आपको अपने बारे में बताओ कि मेरी क्या पर्सनालिटी है yes. फिर अगले के साथ जब बैठेंगे तो फिर उसकी पर्सनालिटी को असेस करें फिर अगर आपकी पर्सनालिटी उससे डिफरेंट है तो अपने आप को चेंज करें अगर आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते तो फिर आप समझा भी नहीं सकते नहीं आई इफ यू कान चेंज यूअर फिर अगले को भी समझ नहीं जिस है जिस हम अक्सर कहते हैं नहीं, नहीं सानू की फिर नहीं बात बनेगी फिर उसको समझ नहीं आएगी फिर आपका नाम मार्केट में नहीं बनेगा इस इस ट्रेड को एनएलपी में हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं क्या कहते हैं और इसको हम साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं yes. क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं सो so, फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो क्या होगा आप जिस बंदे से कम्युनिकेट कर रहे हैं अगर उसकी पर्सनैलिटी आपसे डिफरेंट है तो आप उसकी पर्सनैलिटी में थोड़ी देर के लिए आगे बात करेंगे yes. अगर आप उसके मुताबिक आगे तो आप विन करके अदरवाइज इशू बनेगा सो so, अब आपने करना क्या है एक तो आप में अगर आप ये आर्ट सीखना चाहते हैं तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। yes. क्या होना जरूरी फ्लेक्सीबिलिटी का होना बहुत जैसे अभी आपने एक मैंने चीज़ आपको बताई थी कि आपकी कम्युनिकेशन में वर्ड्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत कम होता है फ़र्ज़ करें मैं आपसे ये ऐसे बात करता हूँ कि फ्लैक्सीबिलिटी होना ज़रूरी है शायद आप मेरी बात पर इतना ट्रस्ट ना करें लेकिन मैं अगर ऐसे कहता हूँ कि आप में इस चीज़ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है कि मैंने अपनी बॉडी को भी साथ लचक दी है क्योंकि ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये ज़्यादा यकीन दिलाती है आपको हमेशा मेरा यहां पे एक लाइन है आलवेज ऑलवेज प्रेफर बिहेवियर्स ओवर वर्ड्स बिकॉज बिहेवियर्स बिहेवियर्स नेवर नेवर बिहेवियर झूठ नहीं बोलता वर्ड्स झूठ बोलते हैं इसके ऊपर मेरा एक और भी कोटेशन है जरा वो भी जरा ध्यान से सुन ले इसी ट्रस्ट के हवाले से नेवर बिलीव ऑन वन फोर थ्री इन रिटर्न बहुत नेक्स्ट लेवल बात कर रहा हूं नेवर बिलीव ऑन वन फोर थ्री इन रिटर्न बिकॉज ओनली सेवन परसेंट वर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूट इन कम्युनिकेशन कितने मेहर अली किथे तेरी सना अब थोड़ा सा वन फोर थ्री कॉमन एक वर्ड है जिसे हम आई लव यू कहते हैं सो so, अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करे कि आई लव यू नेवर ट्रस्ट ऑन दैट बिकॉज वो हो सकता है वन फोर थ्री लिख के ये कह रहा हो पीछे से हंस भी रहा हो आप उसे कह सकते हैं कि अगर ये चीज कहना चाहते हैं तो मेरे सामने कहें वो सामने नहीं भी कहेगा वैसे आपको पता चल जाएगा नहीं समझे सो so, वर्ड्स की कंट्रीब्यूशन बहुत माइनर है सो so, अब हमने करना क्या है सपोज आप जिससे कम्युनिकेट करते हैं पहले आपने क्या करना है अपने आप को असेस करना है और फिर अगले को असेस करके आपने जो डिफरेंस है उसको खत्म करना है एनएलपी कम्युनिकेशन मॉडल के मुताबिक देयर आर फोर टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज कितनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं फोर टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होते हैं अब आपने फाइंड आउट करना है कि अगले बंदे की पर्सनैलिटी कौन सी है और आपकी कौन सी फिर आप चेंज करके उससे बात करेंगे तो बात ऐसे फिट होगी कि आपकी समझ में नहीं आएगा यार इसकी बात हमारी बात कैसे मानी जा रही है ये ऐसे ही मैं आपको एक और देसी सी मिसाल देता हूँ हमारे घरों में ऐसे होता ना कि हम कहते हैं छोटी बहन को कहते हैं यार आप जाके बाबा को को पिज़्ज़ा मंगवा दें वो आपकी बात बड़ी गौर से सुनते हैं मंगवा देते हैं अब दूसरी बेटियों के कहने पे पिज़्ज़ा नहीं आता नेचुरली समाइम किसी एक दो बच्चों की केमिस्ट्री पेरेंट्स के साथ बड़ी मैच करती वो यानी कि वो पर्सनैलिटी मैच कर रही होती जब वो कहते हैं तो कहते हैं ठीक है जब कोई दूसरा जाके कहता है तो हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि वो पेरेंट्स उनसे प्यार नहीं करते गॉट इट तो इसी तरह अब कितनी टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज होती फोर टाइप्स हैं इन फोर टाइप्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको जो एन की डेफिनेशन है एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा दूँ कि होता क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको ये कहा है कि जब भी आपने कम्युनिकेट करना होता है यानी कि बिहेव कम्युनिकेशन का मतलब बिहेवियर भी है जब आप कुछ करते हैं तो बिहेव कर रहे होते हैं या रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं तो वो रिस्पॉन्स स्टार्ट कहाँ से होता है सबसे स्टार्ट होता है कि जब भी आपके दिमाग में कोई एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन आती जो मैंने कितने सेंसेस से कहा है five. जैसे फाइव सेंसेस से आती तो वो आपके ब्रेन में फिल्टर होती वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है yeah. फिल्टर को मैंने बड़ा अच्छा कंसेप्चुलाइज कर दिया कि आपके ब्रेन फिल्टर का क्या मतलब कुछ डिसीजन भी आपका ब्रेन फिल्टर हो सकता है फर्ज करें आपने कभी डिसीजन किया कि मैंने आ, मैंने सुजू गाड़ी लेनी है तो सपोज ये हुआ कि सुजू की गाड़ी से चली नहीं या आपसे ड्राइव नहीं हुई या आप उसे सेटिसफाई नहीं थे तो ये आपकी एक मेमरी बन गई क्या बन गई जब कभी आपको दोबारा सुजू की खरीदने का मौका मिलेगा ना तो ठक करके वो मेमरी आएगी वो फिल्टर यार ये नहीं लेनी मैंने ली हुई पहले ये बहुत तंग करती है सो so, फाइनली होता है क्या वो इन्फॉर्मेशन फिल्टर होने के बाद आपके ब्रेन में एक इंटरनल रिप्रजेंटेशन बन जाती है क्या बन जाती ये से फर्ज करें आपका कोई मैथ का कॉन्सेप्ट है टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ये बिल्कुल टू प्लस टू इज इक्वल टू फोर ये पढ़ा हुआ है लेकिन जब आप इसको ट्रांसफर करने लगते हैं तो ट्रांसफर करते हुए कुछ बैरियर्स आ जाते हैं क्या आ जाते हैं बैरियर्स वो बैरियर सही ट्रांसफर नहीं होने देते उसमें बैरियर क्या हो सकते हैं सपोज आपकी एक मेंटल स्टेट हो सकती है आपकी पर्सनालिटी हो सकती है फर्स करें जिस पर्सनैलिटी से आप वो टू प्लस टू फोर ट्रांसफर कर रहे हैं अगले की वो पर्सनैलिटी नहीं उसको कंसेप्चुलाइज नहीं करेगा या आपकी फिजोलॉजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है आपको बुखार आप, है तो वो कॉन्सेप्ट सही ट्रांसफर नहीं होगा गॉट इट अब उस जो मेंटल स्टेट का जो पर्सनैलिटी का जो एक फिल्टर है उसको हम गेज कैसे कर सकते हैं बाकी और भी फैक्टर हैं मैंने सिर्फ आज आपको सिर्फ एक फैक्टर बताना है एक टेक्निक बतानी जिस तरह मैंने आपको बताया कि बहुत सी टेक्निक्स हैं जो आपको अगले पर्सन के मुताबिक बना सकती हैं अब वो टेक्निक कौन सी हैं वो मैं आपको शेयर कर देता हूं ये सब मेटाफोर है क्या है मेटाफोर है मैच एंड मिरर टेक्निक एंकर एनएलपी की हैं कि आप अगले बंदे को अपने लेवल पे कैसे ला सकते हैं इसी तरह एक स्विच पैटर्न है ठीक है, है? है इसी तरह मोडेलिटी है क्या है मोडेलिटी है इसी तरह चंकिंग like है हिपनोसिस है इसी तरह लाइक टू डिसलाइक है दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स विच यू कैन यूज टू सिंक्रोनाइज़ योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द अदर पर्सन जब आप सिंक्रोनाइज हो जाते हैं तो कम्युनिकेशन बिल्कुल वैसे ही ट्रांसफ़र होती जैसे आपके माइंड में अगर आपको बुरा ना लगे तो हम सिर्फ एक टेक्निक को डिस्कस कर लें हमारे पास कोई तीस चालीस मिनट और हैं उसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो बिस से एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसे मोडलिटी कहते हैं इसका मतलब यह है कि अगर जब आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो अगले बंदे की मोडेलिटी के मुताबिक कम्युनिकेट करें तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी अब यह मोडेलिटी वही चीज है जो मैं पर्सनैलिटी अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था सो so, इन एनी नॉर्मल पर्सन इन एनी नॉर्मल पर्सन देर आर फोर टाइप ऑफ मोडलिटीज देर आर हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मोडलिटीज या मोडलिटीज को एक और लफज भी एनएलपी में होता है जिसे हम रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम कहते हैं क्या कहते हैं यानी कि एवरी पर्सन वेन ही आर शी वॉन्ट टू कम्युनिकेट ही आर शी यूजेज फोर टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशनल स्टाइल्स अब वो रिप्रेजेंटेशनल स्टाइल या उसे मोडेलिटी भी कहते हैं कि एवरी नॉर्मल पर्सन फोर हाउ मेनी मोडेलिटीज टू कम्युनिकेट फोर लेकिन उनमें से एक को वो प्रेफर करता है और वह फोर कौन सी है यह मोडेलिटीज है एक मोडेलिटी होती जिसे हम विजुअल मोडलिटी कहते हैं क्या कहते हैं विजुअल मोडालिटी कहते हैं एक मोडालिटी होती है जिसे हम ऑडिटरी कहते हैं क्या कहते हैं और एक मोडालिटी होती जिसे हम काइनेस्थेटिक कहते हैं क्या कहते हैं और एक मोडालिटी होती है जिसे हम ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं जिसे एडीबी कहते हैं क्या कहते हैं यानी एवरी नॉर्मल पर्सन कैरी हाउ मेनी मोडालिटीज फोर ऑडिटरी विजुअल काइनेस्थेटिक एंड ऑडिटरी डिजिटल अब होता क्या है हर नॉर्मल पर्सन के पास ठीक है ये फोर मोडालिटीज़ होती हैं लेकिन एट अ टाइम वो इनमें से एक को प्रेफर ज़्यादा करता है कम्युनिकेट करने के लिए इसका मतलब एट अ टाइम कोई बंदा विजुअल मोडालिटी के साथ होगा यानी उसको ज़्यादा प्रेफर करता है कुछ लोग ऑडिटरी मोडालिटी वाले होते हैं कुछ काइनेस्थेटिक मोडालिटी वाले होते हैं और कुछ एडी वाले होते अगर आपको पता चल जाए कि आपकी मोडेलिटी कौन सी है फिर जिससे आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे उसकी मोडेलिटी कौन सी है फिर आप अपने आप को फॉर द मोमेंट चेंज करेंगे ताकि आप उसकी मोडलिटी में आगे बात करें सो दैट कम्युनिकेशन शुड बी मोर इफेक्टिव अब आपको यह पता कैसे चलेगा कि मेरी मोडलिटी क्या है या अगले की क्या है इसके लिए कॉमन टेस्ट हैं क्या हैं कुछ फॉर्मल टेस्ट भी हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं कुछ बिल्कुल इंस्टेंटली आपको पता चल सकता है कि इसकी मोडालिटी कौन सी है तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ठीक है बता दूँ जी।, जी अब उसमें जिस तरह मैंने कहा कि मोडालिटी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं रिप्रेजेंटेशनल रेप्रेसेंट। सिस्टम भी देते हैं रिप्रेजेंटेशनल सिस्टम का मतलब ये है कि आप अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कम्युनिकेट कैसे करते हैं तो हमारे पास फोर डिफरेंट वेज़ होते हैं एक नॉर्मल इंसान के पास लेकिन लेकिन एवरी पर्सन प्रेफर वन ऑफ द मोडेलिटी टू कम्युनिकेट एट दोमेंट एट द मोमेंट एट द मोमेंट का मतलब होता है एन एल पी की लैंग्वेज में सिक्स मंथ यानी कि मैं अगर विजुअल मोडेलिटी प्रेफर कर रहा हूं तो पिछले छह माह और मैं ऐसे ही हूं हो सकता है आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट चले जाएं जहां पे आपको इंटलेक्चुअली ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाए आप हार्वर्ड चले जाएँ वहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा लॉजिकली ज़्यादा पढ़ाया जाए तो हो सकता है आपकी मोडेलिटी चेंज हो जाए लेकिन यूजली अराउंड सिक्स मंथ आपकी मोडेलिटी वही रहती है हाँ अगर आपकी दूसरी भी उतनी ही है तो फिर आपकी एक तीसरी उसको इंटरप्रेट डिफरेंट तरह करते हैं फ़र्ज़ करें आप आप चाहते हैं मेरी ये भी मोडलिटी ये भी है तो फिर आपकी चौथी मोडेलिटी होती है जिसे हम ऑडिटरी डिजिटल कहते हैं ठीक उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करनी वो भी आपको मैं बताता हूं गॉट इट सो हाउ मेनी मोडेलिटीज वी हैव बट एट अ टाइम वो प्रेफर वन टू रिप्रेजेंट और कम्युनिकेट अब उसमें आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी प्रेफर्ड मोडेलिटी कौन सी और अगले की कौन सी ताकि आप उसको एक लेवल पे ला के बात करें ठीक है उसके लिए टेस्ट हैं, तो वो टेस्ट जो है मोडेलिटी का जो टेस्ट है हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं एक पहला जो तरीका है उसे हम लिस्टिंग टू प्रेडिकेट्स कहते हैं प्रेडिकेट का मतलब होता है वर्ड्स आपको वर्ड्स से अंदाजा होता है कि जो बंदा कम्युनिकेट कर रहा है ठीक है वो किस तरह के वर्ड्स यूज करता है तो वर्ड से आपको होता है कि इसकी प्रेफर्ड मोडालिटी कौन सी है लिखने में बोलने में एक ही बात है लिख कैसे रहा है तो एज ए टीचर आपको प्रेफर्ड मोडेलिटी बहुत से तरह से पता चल सकती है अगर आप लिटरेचर के लोग हैं तो लिटरेचर में ज़ाहिर है आप एक ओपन कॉन्टेंट देते हैं क्या देते हैं फर्ज करें ऐसे है तो अब साइंस में ये ज़रा मुश्किल हो जाता है क्योंकि साइंस में आपने बिल्कुल एक फ़िक्स किस्म की चीज़ें लिखनी होती लिटरेचर के लोग अपनी मर्जी से लफ्ज़ यूज़ करते हैं उन वर्ड से आपको पता देखते हुए रिटर्न देखते हुए आपको आइडिया हो सकता है कि इस बच्चे की मॉडालिटी कौन सी है आप पेपर रिव्यू कर सकते हैं आप उनसे बात करते हुए आपको आइडिया हो सकता है गॉट इट तो सबसे पहले वर्ड्स को आपने यूज करना है उसकी प्रेफर्ड मोडेलिटी फाइंड आउट करने के लिए गॉट इट yeah. तो अब वर्ड्स में कैसे हम जाते हैं फॉर एग्जाम्पल जो विजुअल लोग होते हैं दे ट्राई टू यूज द वर्ड्स विद विजुअल लिंक्स फॉर एग्जाम्पल मैं सर से ऐसे बात कर रहा हूं मैं ऐसे कहता हूं कि लुक हालांकि मैं तो बात सुना रहा हूं बट टेक्निकली आई एम यूजिंग द वर्ड लोग यानी मेरी प्रेफरेंस में ऐसे लफज आते हैं जिस जो विजुअल विजन का जो है वो कॉन्सेप्ट देते हैं सी ऐसे नहीं आई विल सी लेट सी लेकिन वो कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर लें या देखो उर्दू में है तो वो कहेंगे देखो हालांकि वो कुछ दिखा नहीं रहा लेकिन सुना रहा है ठीक है जब आप सुना रहे होते हैं तो आप देखने का लफज यूज करते हैं क्यों ये एक साइंस है तो आपको वर्ड से जब आप थोड़ी देर के लिए कम्युनिकेट करते हैं ना फ्यू या डायनेमिक्स पे डिपेंड करता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इंटरव्यू देने जा रहे हैं एज ए टीचर आपको पता होता है कि मेरा कौन इंटरव्यू कर सकता है एक्सपेक्टेड बंदा कौन हो सकता है हो सकता है किसी डिपार्टमेंट का एच तो ज़रूर होगा अब इंटरव्यू में सबसे रोल इंपॉर्टेंट एच ओ डी का क्योंकि सिलेक्शन क्राइटेरिया सारा उसी पे डिपेंड करता है तो क्या ऐसे नहीं हो सकता कि आप उसकी प्रोफाइल दें कहीं उसका मैसेज कोई पढ़ें उसका कोई लिटरेचर पढ़ें वो किस तरह के लफ्ज़ यूज़ करता है और जब आप इंटरव्यू में बैठे हो आप उसको उन्हीं के लफ्जों में जब बात करेंगे तो इंटरनली कहेगा यार ये ये तो ये तो मैं ही बोल रहा हूँ उसको इस टाइम ये नहीं पता चलेगा कि ये मेरी तैयारी करके आए क्योंकि एन का नॉलेज अभी बहुत लिमिटेड है यही नॉलेज पाँच साल गुजरने के बाद जब हर बंदे को एन एल पी आ जाएगी तो लोग इसको यार ये पता नहीं पी पड़ गया होगा अभी तक आपने देखा कि बहुत सी चीजें इंटरव्यू में लोग इसको इग्नोर करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे यहां अभी हम यहां पे हैं कि बस इंटरव्यू में जाना है टाई शाई लगा के जाए अभी हम यहां पे हैं हो सकता है इंटरव्यू वाला इस चीज़ को देख ही नहीं रहा क्योंकि असेसमेंट के तरीके चेंज हो गए हैं असेसमेंट के तरीके चेंज हो गए फर्ज करें एज ए एच ओ आप बैठते हैं जी क्या नाम है आप गूगल पर डालेंगे क्या नाम है अच्छा रिसर्च गेट पर कितना इम्पैक्ट फैक्टर है वो वो तो उसको क्या कर रही ड्रेसिंग से गॉट इट तो विद पैसेज ऑफ टाइम जो असेसमेंट के टूल्स हैं वो चेंज होते जाते हैं क्योंकि आप इंटरव्यू में जाएंगे हर बंदे ने टाई लगाई हुई तो मैं क्या टाई पे तो सिलेक्शन नहीं कर सकता तो इसी तरह अभी जो पाकिस्तान में जो आर्ट है ना एन का वो बहुत फ्रेश है क्या है आप इसको यूज कर सकते हैं अगले बंदे को कन्विंस करने के लिए निगोशिएट करने के लिए उसको पता ही भी नहीं चलता कि मुझे किस सेंस में बात कर गॉट इट सो एसेस करने के लिए सबसे पहली अप्रोच क्या है लिसनिंग टू प्रेडिकेट्स प्रेडिकेट्स मीन वर्ड्स आप उसी गुफ्तगू -गु से अंदाजा लगाएंगे कि किस तरह के वर्ड्स फिर आप डिपेंड करता है कि आप किसी से फ़र्ज़ करें निगोशिएट करना चाह रहे हैं उसका पेज देखें उसके ऊपर जाएं, वो किस तरह के लफ्ज़ चूज़ करता है ठीक है बहुत बड़ी नेक्स्ट लेवल स्ट्रेटजी है फिर नेक्स्ट जो मोडेलिटी है उसमें लोग प्रेफर ऑडिटरी वर्ड्स करते हैं किस तरह के वर्ड्स जिसे फर्ज करें मैं फर्ज करें यही इंस्ट्रूमेंट मार्केट से लेने जा रहा हूँ तो समाइम कुछ लोग ऐसे कहते हैं यार इट्स साउंडस गुड हालांकि इसकी आवाज नहीं है लेकिन वो क्या कह रहा होता है इट साउंड्स गुड यानी कि उसका मतलब ये दिखने में अच्छा लग रहा है हालांकि वो दिखने वाला लफज यूज नहीं कर रहा प्रेफर किसको कर रहा है ऑडिटरी वर्ड्स को प्रेफर कर रहा है तो ऐसे लोगों के साथ आप ऑडिटरी अब मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि जिसकी मोडेलिटी विजुअल है उससे आपने बात कैसे करनी है वो अगले स्टेप में बताता हूं पहले आप ये आइडिया लगा लें कि उसकी प्रेफर्ड मोडेलिटी कौन सी है गॉट इट कि जो ऑडिटरी है वो किस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहा है? ऐसे ऐसे वर्ड जिनका तल्लक साउंड के साथ है जिसका किसके साथ है इसी तरह एक नेक्स्ट जो मोडेलिटी जिसे हम काइनेस्थेटिक कहते हैं क्या कहते हैं काइनेस्थेटिक वो मोडेलिटी होती है जिसमें लोग लफ्जों का इस्तेमाल पता कैसे करते हैं टच का करेंगे इस्तेमाल फीलिंग टची फील का लफज इस्तेमाल करेंगे किसका दिखने का नहीं करेंगे फील का करेंगे फील टची ठीक है ग्रैबिंग फर्ज करें मैं मैं आपसे कहता हूँ कि यार आप मार्केट सुपर मार्केट जा रहे मेरे लिए यार दो दही के पैकेट ग्रैब करते लाना ठीक है यानी उसमें ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जिसमें टच का कॉन्सेप्ट हो क्योंकि काइनस जो मोडेलिटी के लोग होते हैं वो टच को प्रेफर करते हैं सहारे को प्रेफर करते हैं गॉट इट इसी तरह जो चौथी टाइप ऑफ मोडलिटी जिसे हम ए कहते हैं डिजिटल कहते हैं अब ये जो क्लास होती है लोगों की ये इंटेलेक्चुअल क्लास होती क्या होती दे ऑलवेज टॉक इन द लॉजिक्स यानी ऐसे लव यार मुझे समझ नहीं आ रही कि टेक्निकली टेक्निकली ये कैसे हुआ होगा एज अच्छा इसका लॉजिक क्या है ऐसे इसका रैशनल क्या है ठीक है ना आप एज टीचर बैठे हैं ना तो इवन बच्चे भी कह रहे होते यार सर आप बच्चा क्वेश्चन करता ना तो टाइम अगर टीचर को नहीं आता तो अच्छा हम अगले क्लास में देख लेंगे जो विजुअल है या कानेस है कि वो इसको सही समझेगा कि ठीक सर सर शायद इसका ये रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन जो ऑलरेडी डिजिटल स्टूडेंट बैठा हुआ है ना वो कहेगा नहीं सर को आता नहीं बिकॉज ही विल थिंक लॉजिकली गॉट इट तो अगर आपको ऐसे स्टूडेंट के साथ फेस करना पड़ता तो उसको लॉजिकली आंसर दें उसको ऐसे ना देंगे नहीं नहीं ये ऐसे होता ही ऐसे है वो नहीं मानेगा आपकी बात ऐसे विजुअल मान सकता है कहेगा ठीक है विजुअल देखिए अब आपने अपने आप को आपने गेज करना है देखिए आप अगर इंडिविजुअल कंसंट्रेशन बच्चों को नहीं देंगे आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं मैं टीचर हूं ऐसे नहीं ये मार्केट नहीं है आजकल अगर आप बच्चों को इग्नोर करेंगे तो आप भी साइड पर लग जाएंगे यू आर लिविंग इन अ वेरी कंपिटेटिव इन्वायरमेंट आप कभी लाइट ना लें बच्चे को वो आपका फीडबैक पे जो भी आज का आपको पता है कि चीज़ें चेंज हो रही हैं जब आप लोग पढ़ रहे थे ये फीडबैक का कॉन्सेप्ट नहीं होता था टीचर टीचर होता था ठीक है टीचर तो जो बोर्ड पे लिखवा रहा है वो नोट्स भी नहीं देता था कहता ठीक है बस जाओ गॉट इट लेकिन अभी आप क्या अभी ऐसे तारे आ गए कि जो लेक्चर आपने कल देना उसके हैंड शाम को चले जाते हैं आपने प्रोवाइड करना है फिर बच्चों के पास सेल फोन फर्ज करें मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ साथ ही बच्चा लगा हुआ अच्छा ये सर ने तो गलत बढ़ा दिया गूगल तो ये कह रहा ठीक है तो इस, इस जनरेशन को आप मीट नहीं कर सकते सो अगर आप चलो कहेंगे नहीं चलो कोई आप तीन चार साल बाद साइड पे हो जाएंगे आप आपको डीग्रेड किया जाएगा आपको फीडबैक बहुत पुअर आएगा आप एक यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट में मशहूर हो जाएंगे गॉट इट यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ गुड नेम इन द इंस्टीट्यूट सो इन चीज़ों पे ख्याल रखें आपको पता है यार ये बच्चा जो है ऑडिट डिजिटल है तो आपने इसको आंसर कैसे करना है लॉजिकली दे ताकि आपका आंसर अपीलेंगे उसे वो खुश हो अंदर से यार क्या बात है अगर आप ऐसे कहेंगे कि नहीं ऐसे है तो फिर वो भी ऐसे ही कहेगा गॉट इट सो स्टॉप मी वेयर यू फील एनी कंफ्यूजन और यू हैव एनी क्वेश्चन ठीक है एग्जैक्टली आई एम आई एम टॉकिंग गॉट इट कम्स इन अ मैटा कॉग्निशन किस में आता है मैं आपके दिमागों से पूछ रहा हूँ यू गॉट इट इसका मतलब आई बिलोंग टू आर्ड डिजिटल Got it? जी तो आप देखें फर्ज करें बहुत अच्छी आपने बात की फर्ज करें आप मुझे इंटरव्यू देने आती तो आप ट्राई टू ट्राई टू स्पीक इट कपल ऑफ टाइम्स अनकॉन्शियसली मुझे ये बंदा अच्छा लगेगा ये मैं आपको एनएलपी की कुछ ऐसी टेक्निक फॉर एग्जाम्पल आई कैन एश्योर यू फॉर एग्जाम्पल आप किसी ज्यूरी में जाएं इंटरव्यू के लिए पहला क्वेश्चन करना ज्यूरी का हक हाँ है मैं आपको ऐसे ट्रेन कर सकता हूं कि अगला क्वेश्चन जूरी आपसे वही पूछे जो आप चाहते हैं yes. ये एन आपको सिखाएगा जो आप चाहते हैं yes. सो so, आप इसी तरह गेज करते हैं आप लोगों का लिटरेचर पढ़ के जाएं प्रोफाइल पढ़ के जाएं ठीक है उसको फोटो देख के जाएं वो किस तरह का फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं इंटरव्यू कर रहा हूँ एक कैंडिडेट ऐसा आता जिसने पोनी लगाई हुई है मुझे कैसा लगेगा तो अच्छा लगेगा बिकॉज योर स्कूल ऑफ थॉट इज गोइंग आपको मेहनत करनी पड़ेगी कुछ चीज हासिल करने के लिए ये चीज़ें इस ये चीजेंटिव दौर इसमें इतना हासिल करना आसान नहीं है आपको माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा किस लेवल पे जाना पड़ेगा माइक्रो लेवल पे जाना पड़ेगा अदरवाइज आपका आप, ये दौर वो मोटी साइंस का नहीं है मोटी बात का नहीं है ये माइक्रो लेवल दौर है जिसमें आपको बड़ा आप स्पेसिफिक होने की जरूरत है

अगर मैं आपको एक्सप्लोर करके अपने आप को वैसा ही बनाऊंगा जैसे आप हैं मतलब ट्राई करूंगा कि आप मुझे सिलेक्ट कर जी इसका मतलब है कि आप मुझे या मेरे इनर को तो नहीं कर सके ना नहीं इसमें फायदा पता ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है सबसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को चीज़ चाहिए होती है वो एडोप्टेबिलिटी चाहिए होती है कि यार आप चेंज तो हो रहे हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन का काम है आपको किधर मर्जी ले जाए आपको तो डेली बेसिस पे फिर चलेंगे ना ऐसे एक दिन तो चले आपने शो कर दिया अगले दिन शो नहीं करेंगे तो आपको अला हाफि लेटर ऑफ थैंक्स दे, दे देंगे तो सबसे पहले आप यूरोप में अगर कभी जाए ना तो आपने रेफरेंस लेटर में एक लाइन जरूर लिखवाएं कि दिस मैन गॉड द अडाप्टेबिलिटी स्किल्स कौन सी स्किल्स उतनी आपकी कैरियर स्किल्स को नहीं देखा जाता जितनी आपकी अडाप्टेबिलिटी स्किल्स को देखा जाता है कि यार ये एशिया से आ रहा है क्या हमारे कल्चर में ग्रो कर सकेगा क्या इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है सबसे इंपॉर्टेंट आप किसी क्वेश्चन भी ये हो सकेगा देखिए यार आप तो इतने हार्ड वेदर में रहते हैं कि नॉर्वे में आप सर्वाइव कर लेंगे ठीक है नो no इशू उन्हें क्या मैं तो समंदर में भी सर्वाइव कर लूंगा आप अपॉर्चुनिटी दें बस गॉट इट अगर हाँ आज के दौर में अगर आप में ये एक ट्रेट नहीं है ना तो खत्म है ये इसको हम मुनाफकत भी नहीं कहते आपको क्वेश्चन है तो कर सकते हैं क्वेश्चन मैं आई विल गिव यू द पॉजिटिव आंसर्स, ठीक है लचक लचक बहुत जरूरी आपकी नेचर में लचक है इसीलिए नेचर सरवाइव कर रही है जिसमें लचक है देखें जिस इवन कंट्रीज में वैदर में लचक है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं कंट्री जिसमें लचक नहीं वो ज़्यादा वर्ष हैं जैसे अभी मैंने नॉर्वे की बात की आप जब भी चले जाए बर्फ ही होती है ठीक है ना हम कितना अच्छा फील करते हैं ऐसे गर्मियों से तांग आए तो आगे फल आ गया है फिर विंटर में उससे तंग तो गर्मी आ गई ठीक है तो ये, ये ब्लेसिंग है फ्लेक्सिबिलिटी नेचर आपको फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रही तो जी ठीक है के we'll come back to our preference आप उसी टाइम आ सकते हैं मतलब मैं हाँ बिल्कुल आप आप नेचुरल में आ जाते हैं बिल्कुल हाँ, हाँ, हाँ फ़र्ज करें फ़र्ज़ करें मैं है। मैं आप आपको इंटरव्यू देने आए मुझे पता आपकी पर्सनैलिटी काइनेस्थेटिक है ठीक है तो काइनेस्थेटिक लोग प्रेफर टू तो सिट लाइक ऑन द बैक साइड लाइक ऐसे मैं ऐसे बैठूं तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा ना कि मैं ऐसे बैठ जाऊं विजुअल ऐसे बैठते हैं ठीक है तो बाकी जब मैं घर में जाऊंगा तो फिर देखी जाएगी कि कैसा होता है घर में तो आप फिर वैसे ही होंगे so, so you know, जी। exactly, आप जगल कर सकते हैं मैं आपको वो क्वेश्चन लिखवाया हुआ कि आपने मेरे से पूछना है कि सौ बच्चा है तो हम क्या करें एट अ टाइम कौन कौन सी मोडेलिटी किधर लेके जाएं? इसका आंसर आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा जब मेरा लेक्चर ख़त्म होगा क्या आपने देखा है कि मैं लॉजिकली भी बात कर रहा हूँ मेरी वॉइस टोन चेंज हो रही है मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो रही है मेरी स्लाइड में विजुअल्स भी हैं मैं मैं साइंटिफिक बात भी बीच में कर रहा हूँ एग्जैक्टली फॉर एग्ज़ाम्पल एट अ टाइम आप लॉजिकली ज़्यादा बात कर रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप थ्रू आउट लॉजिकल बात कर रहे हैं अब उसमें जो चंक बैठा होगा ना लॉजिकल को जो ज़्यादा प्रेफर करता है वो तो आपको बड़ा अच्छा ले रही है यार ये कमाल है जो विजुअल है उसको लॉजिक्स अच्छे नहीं लगते वो मोटे स्टाइल में बात जाता है बीच में आप देसी थोड़ा सा आ जाए अब वो जो सो रहा था विजुअल अच्छा नहीं लग रहा था उसको वो भी उठेगा एक दफ़ा बीच में आप फीलिंग का टच दें जो काइनेसटिक लोग होंगे वो फीलिंग को ज़्यादा प्रेफर आपको इमोशनल बात करें तो एट ए टाइम आप चारों ग्रुप्स को अलाइव रखेंगे फिर कोई बच्चा सेल फोन पे फेसबुक यूज नहीं करेगा फिर यही क्वेश्चन था जी, जी. फिर एक बात आ जाती है है कि हमारी अपनी फिर प्रेफरेंस जो है, हम क्लास में तो चले हमने कर लिया जी बट वी आर बैक टू आर ऑफिस जब आप are... इस कॉन्सेप्ट इस कॉन्सेप्ट के अंदर आप ट्रेंड हो जाते हैं ना तो फिर आपकी जो फाइनल मोडेलिटी बनती वो ऑलरेडी डिजिटल होती है क्योंकि आप साइंटिफिकली एडजस्ट कर रहे होते हैं इंटेलेक्ट देखने के अकॉर्डिंगली अपने आप को ज्यादा चेंज कर रहे होते हैं हाँ फिर, फिर ज्यादा आपकी प्रेफरेंस उधर चली जाती गॉट इट सो एक तो ये अप्रोच है कि आप प्रेडिकेट से आपको आइडिया होता है कि अगले की मौडल, प्रेफर्ड मोडालिटी कौन सी है जी सर जी जी एक ही ये लैंग्वेज में इसको हम वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं या रिटर्न कर रहे हैं या मुंह से बोल रहे हैं तो ये वर्बल में ही आता uh, अब uh, हमने कितना कंटेंट और कितनी देर तक उसको ऑब्जर्व करना है तो हम समझ जाएंगे कि इसका प्रेफर्ड जो स्टाइल है ये मोडालिटी है ये जी उसमें आपको फ्यू वर्ड्स रिफ्लेक्ट कर सकते हैं फ्यू वर्ड्स आपको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं फिर आपने सिर्फ वर्ड्स के ऊपर भी रिलाई नहीं करना आई एम गिविंग यू द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स तो आप एक एवरेज देख सकते हैं कि बंदा बैठा कैसे वर्ड्स कौन से यूज़ कर रहा है उसकी आई मूवमेंट कैसे हैं वो सांस कैसे ले रहा है उसकी ड्रेसिंग किस तरह की आगे वो, आगे वो सारी चीज़ें आ रही जी कई मैथड हैं मैं कहता हूँ कई मैथडें हैं तो आपको उसी टाइम पता चल जाता है कि ये आदमी कैसे चल के आ रहा है उसने पहली दफा आपसे फ़ोन पे बात की है तो तब भी पता चल सकता है तो ये तो अभी स्टोरी जो है वो स्टार्ट हुई है ठीक है तो पहली अप्रोच क्या है वर्ड्स की अप्रोच है ठीक है फिर इसका ना एक फॉर्मल टेस्ट है लाइक अगर आप कभी फॉर्मल सेटिंग में कोई इवन रिसर्च करना चाहते हैं मैं आप टीचर बैठे हैं तो इसी मैंने इसको ऐड किया इफ़ यू वॉन्ट टू डू अ रिसर्च के किस तरह की मोडेलिटी आप इसके ऊपर सोचें कि कौन किस तरह आप रिसर्च करवा सकते हैं स्पेशली जो साइकोलॉजी के लोग हैं या एजुकेशन के लोग हैं तो इसके ऊपर कोई रिसर्च भी करवा सकते हैं कि किस तरह की मोडेलिटी हो तो मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं या कोई कोरिलेशन स्टडी आप कर सकते हैं ये मेरा आपसे एक तो इसमें एक टेस्ट है जिसमें एक ना फाइव क्वेश्चन हैं कितने क्वेश्चन हैं ये प्रॉपर रिटर्न एक्टिविटी होती है आप उससे भी पता करवा सकते हैं लेकिन इनफॉर्मल सेटिंग में आपको ये ज़रूरत नहीं होती आप नहीं करवा सकते फ़र्ज़ करें मैं आपसे मिलने आया आए तो मैं आपसे पहले टेस्ट तो नहीं करवाऊँगा कि आपकी मोडलिटी कौन सी फिर मैं आपसे बात करूँगा तो ये आप इसको एक्डीमिया में यूज़ कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पस या कुछ साइकोलॉजिस्ट आप में बैठा हुआ तो वो आप अपने क्लाइंट को टेक्निकली एवेलुएट कर सकता है कि इसकी कौन सी मोडलिटी है ताकि मैं थ्रू आउट इसकी जो काउंसलिंग है मैं उसी तरह उसको अप्रोच करूं सो so, इसमें जी मैं कर दूँ तो इसको मैं समझा भी देता हूँ आपको ये कितने क्वेश्चन हैं फाइव क्वेश्चन है तो क्वेश्चन इस तरह है फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्वेश्चन है ये पहला क्वेश्चन मैंने एग्जांपल दी है कि हर क्वेश्चन के अगेंस्ट फोर ऑप्शन क्वेश्चन को पढ़ें तो उसमें से जो आपको ज्यादा अच्छी लाइन लगती है उसको आपने फोर मार्क्स देने जो उससे लीस काम है उसको थ्री फिर उससे लीस टू एंड लास्ट पे वन इसी तरह आप फाइव के फाइव क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपके पास एक नंबर्स आ जाएंगे क्या आ जाएंगे नंबर जब आते हैं ना तो आपने क्या करना है फ़र्ज करें मैंने इसको फोर दिया जिस तरह क्वेश्चन ये था कि आई मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन बेस्ड ऑन मैं जब कोई डिसीजन करता हूँ तो किस पे बेस करता हूँ वट लुक्स बेस्ट टू मी अब लुक वाला जो प्रेफर करेगा ना तो इसका मतलब उसकी विजुअल मोडालिटी है इसी तरह विच साउंडस द बेस्ट इसकी ऑडिटरी होगी अगर इसको फोर देगा तो इसी तरह हमने पांच क्वेश्चन इसलिए ऐड किए क्या एक एवरेज हमारे पास स्कोर आए कि कहीं पे हमारे से मिस्टेक भी हो जाती है क्वेश्चन जज करते हुए इसीलिए हमेशा जो टेस्ट बनाए जाते हैं उसके क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं ठीक है थीके? तो जब आपके पास ये स्कोर आ जाए तो एक अगला टेबल आता है तो आपने ये क्वेश्चन वन देखना ये क्वेश्चन वन है तो आपने क्या करना है क्वेश्चन वन के सामने इसका जो स्कोर है सच कॉपी पेस्ट कर देना है फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे यानी कि जो पहले नंबर पे था जो नंबर था आपने वैसे ही उसको पेस्ट कर देना गॉट इट इसी तरह जब आप फोर के फोर कर लेंगे फिर आपके पास एक थर्ड स्टेप आएगा जिसमें क्या है कि क्वेश्चन वन के सामने आपने सेकंड स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन वन में वी के आगे कितना स्कोर था ए के सामने कितना था K के सामने कितना था और ए डी के सामने कितना था और नीचे आपने पांचों क्वेश्चन के जैसे आप स्कोर डालेंगे तो इनका नीचे आप टोटल भी कर लें आपकी प्रेफर मोडेलिटी वो होगी जिसका स्कोर ज़्यादा होगा फॉर एग्जाम्पल आपका विजुअल के नीचे स्कोर ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो प्रेफर्ड मोडेलिटी है वो विजुअल है क्या है विजुअल इसी तरह ऑडिटरी है इसी तरह है और इसी तरह ऑडिटरी डिजिटल है गॉट इट इसी तरह एक और तरीका है कि उनकी कुछ करैक्ट्रिस्टिक फीचर होती हैं फॉर एग्जाम्पल को जो विजुअल लोग होते हैं उनकी कुछ करैक्ट्रिस्टिक फीचर होती हैं उसमें ऑडिटरी लोगों की कुछ खास फ़ीचर्स होती हैं फॉर एग्जांपल अगर जो विजुअल लोग हैं ठीक है तो विजुअल लोगों की मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं ठीक है विजुअल पीपल ऑलवेज स्पीक लाउडर ऑलवेज स्पीक लाउडर फॉर एग्जांपल जैसे ही कोई आप फर्ज़ करें आपसे मिलने आता है फ़र्ज कर स्टूडेंट आ रहे होते हैं मे कम सर एक बजे मे कम सर जी आपने कहा क्या क्या कहा कमन सर क्योंकि उसने बहुत लो वॉइस टोन में बोला ये ज्यादातर तब आप पूछेंगे जो बच्चा आपसे लो वॉइस टोन में बात कर रहा है तो आप अगर ऑडिटरी वाले हुए तो आपको समझ आ जाएगी इट तो इसी तरह आपको आते हुए बच्चे का पता चल जाएगा आपने देखा होगा कि बच्चा आता ही लाउड स्पीकर मे आई कम एन सर या अटेंडेंस मार्क यस सर दैट मीन्स विजुअल उसका जो साउंड है वो ज्यादा है और विजुअल लोग जो होते हैं दे प्रेफर टू बी इन इन अ गुड ड्रेस वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि हमें कोई देखे कॉन्सेप्ट विजन का है क्या है जो विजुअल मोडालिटी को प्रेफर करते हैं वो बैक बेंचर ज्यादा होते हैं ठीक है अब कितनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है आपने सिर्फ वर्ड्स के अलावा बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो पीछे बैठते हैं वो इसलिए विजुअल ज्यादा होते हैं क्योंकि उनको एरिया ज्यादा नजर आता है पीछे बैठ के विजुअल पर्सनैलिटी के लोग ना बड़ी चीज़ को देखना चाहते हैं छोटी चीज़ को फोकस नहीं करना चाहते दे हैव द ब्रॉड विजन फॉर एग्जाम्पल इसी तरह आपको इस मोडेलिटी के हवाले से आपको खास प्रोफेशन में खास मोडेलिटी नज़र आएगी फॉर एग्जाम्पल जो लीडर्स हैं वो हमेशा विजुअल मोडेलिटी के साथ ज़्यादा होते हैं जो लीडर्स हैं हम जो लीड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को या इवन हमारे पोलिटिकल लीडर्स हैं और जब आप लीडर्स को देखते हैं ना समाइम सिलेक्शन भी रॉन्ग हो जाती है वो एक अलहदा चीज है कभी आपका बॉस जो है ना ऐसे नहीं आएगा जी असल बॉस कैसे आता जी असलम किधर हो लीडर ऐसे पता चल जाता है कि ये वही बंदा है फर्ज करें आप बैठे आपने एचओडी से मिलना आपको नहीं पता एचओडी कौन है लेकिन जैसे लोग आ जा रहे हैं लेकिन जैसे वो बंदा आता है यू रिफ्लेक्ट कि यार यही होगा जो जोड़ी, कॉट इट सो लीडर हमेशा कैसे बात करते हैं लाउड बात करते हैं ठीक है।, है ज्यादा देखना चाहते हैं क्या देखना चाहते हैं ज्यादा देखना चाहते हैं और ड्रेस अच्छा पहनते हैं यानी कि अच्छे लगे वो इंटरनली अच्छे लगे उनको काम करते हुए साउंड कोई नॉइज तंग नहीं करता बहुत हाईटेक इंफॉर्मेशन दे के जा रहा हूं आपको आप बच्चों से पूछ रहे अच्छा जब बेटा आप पढ़ते हैं तो टीवी चल रहा हो तो आप पढ़ लेते हैं जो मैंने मुझे फर्क ही नहीं पड़ता पढ़ लेता हूं इसका मतलब है उसकी जो लर्निंग हो रही है वो विजन से हो रही ना कि साउंड से हो रही है क्योंकि साउंड उसको बॉदर नहीं कर रहा उसकी लर्निंग कहाँ से हो रही विज़न से टीवी भी चल रहा है वो पढ़ रहा है उसे कोई मसला नहीं है लेकिन जो ऑडिटरी होगा शोर में उसे नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि उसकी सारी लर्निंग थ्रू ईयर होगी सारी लर्निंग और जो ऑडिटरी होते हैं ज्यादातर जब पढ़ते हैं तो ऊंचा बोलते भी हैं साथ साथ बोलते भी हैं जो पढ़ रहे हैं वो बोलते हैं ताकि वही साउंड वो साउंड से लर्न करना चाहते हैं क्योंकि उनकी साउंड हाँ उनकी काम के दौरान शोर होगा तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि वो शोर उनको डिस्टर्ब उनकी मैक्सिमम जो लर्निंग है प्रेफर्ड लर्निंग वह कहा से हो रही है कानों से हो रही है ठीक है ये थोड़ा सा मैंने कंपैरिजन दिया है so, सो विजुअल कैसे होते हैं दे स्पीक लाउडर दे आर वेल ड्रेस्ड ठीक है louder, well थोड़ा सा उनका जब भी चलते हैं हेड उनका ऊपर होता है ठीक है यानी कि वो ज्यादा देखना चाहते हैं विजन उनका यानी कि जो काइनेसटे के वो थोड़ा सा उनकी डाउन विजन होता है इतना जो बहुत ही लॉजिकल लोग होते हैं वो नीचे ज़्यादा देखते हैं गॉट इट लॉजिक क्योंकि लॉजिकल बंदा वो ज्यादा होता है जो एक एरिया पे ज़्यादा फोकस करता है ज़्यादा एरिया पे फोकस करने से आप लॉजिकल नहीं हो सकते आप किसी प्राइम मिनिस्टर से पूछेंगे ना कि आजकल जो किसी चीज़ का रेट क्या है करेंसी की कन्वर्जन से नहीं पता होगा क्योंकि ही इज थिंकिंग ब्रॉडली प्राइम मिनिस्टर टाइप लेवल के लोग ऐसे कहेंगे यार हाउ टू इंक्रीज हेल्थ सिस्टम इन द कंट्री वो पूरे हेल्थ की वो ये नहीं कहेगा कि वैक्सीनेशन को कैसे बढ़ाना या कभी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कहेगा हाँ समटाइम अगर रॉन्ग सिलेक्शन होगी प्राइम मिनिस्टर की तो वो ऐसी बातें कर सकता है वो ये कर सकता है कि जी जाके वो खुद जाके कहीं देखे गलियों में हलों में कोई गटर तो नहीं लीक हुआ वो फिर हो सकता है उसकी वो लीडरशिप क्वालिटीज उसमें ना हो इट माइट बी पॉसिबल गॉट इट? सो लीडर्स कैसे होते हैं लाइक like, मैंने आपको एक मिसाल दी कि ज्यादातर जो लीडर्स होते हैं उनकी प्रेफर्ड मोडलिटी कौन सी होती आप मुझे इवन फ़र्ज़ करें हम चले ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स का तो आपको नहीं पता होगा लेकिन आप फ़र्ज़ करें हमारे पॉलिटिकल लीडर देख लें कौन सा ऐसी कल ऐसा पॉलिटिकल लीडर है जो बहुत धीमी आवाज़ में बात करता है इवन जो बिल्कुल पुरानी उम्रों वाले भी लीडर हैं ना हमारे वो भी बहुत ऊँचा बोलते हैं दूसरा कायम अली शाह देख लें हाँ लेकिन सम टाइम मैंने आपको बताया कोई फिजोलॉजिकल इशू होना बात है बोला ना जाना या टेक्निकल इशू है अदरवाइज़ आप हमारे जितनी भी लीडरशिप है किसी भी पार्टी से आप इमरान ख़ान शहबाज शरीफ नवाज शरीफ आसफ अली ज़रदार इवन बिलावल को देख लें ठीक है इज़ यंग लीडर तो उसमें भी एक जो वॉइस टोन है वो लाउड वॉइस टोन है गॉट इट एंड ऑलवेज ट्राई टू वेल ड्रेस और अपनी इनकी इवन एक एक एडवाइजर होता है ड्रेसिंग का कि आप कहां जा रहे हैं तो कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए बिकॉज दे टेक केयर ऑफ द ड्रेसिंग कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो कोई उनको देखने के साथ बुरा ना कह दे ठीक है सो विजुअल का पता चला विजुअल की एक बैठने की या सिटिंग की ये होती है कि वो दे प्रेफर टू बी ऑन द फ्रंट साइड ऑफ द चेयर और उनका ये स्टाइल होगा गॉट इट और जब वो बैठे होते हैं उनको पता नहीं चलता कि वो सांस भी ले रहे हैं कि नहीं ले यानी कि यू कॉन्ट फील कि इनकी बॉडी में सांस आ रही है अब आप कहेंगे ये तो किसी का भी नहीं पता चलता नहीं पता चलता है समटाइम को लोग बैठे हो ना तो फ़र्ज करें कोट इसरा मूव भी कर रहा होता है या दुपट्टा है तो वो ऐसे मूव कर रहा होगा या बिल्कुल ए सी वे बंद कर दें तो साथ वाला बंदे से आवाज़ भी आ रही होती सांस की इसका मतलब है कि वो काइनेस्थेटिक है क्या है उसकी काइनेस्थेटिक काइनेस्थेटिक है काईनेस्थार्टेक जो है ना वो दे ब्रीथ फ्रॉम द इन साइड ऑफ द बॉडी बैली से जो ब्रीथ करते हैं तो उनकी ये बॉडी मूव करती है ऐसे तो दे दे आर काइनेस्थेटिक का ऐसे ही आया बंदा बैठा या उसने आते ही बैठे ही सोफे पे टेक लगा ली तो बिकॉज दे लव टू टच वो कहीं ना कहीं टच होना चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं अगर काइनेस्थेटिक हूं तो आप मैं आपके साथ गप लगा रहा हूँ हमारे पास कोई कुर्सी वुर्सी इधर नहीं है तो मैं गप शाप लगाते लगाते जो है ना गप लगाते लगाते ये सहारा ले लूँगा इधर तो जो काइनेस होते हैं वो सहारे को ज़्यादा प्रेफर करते हैं he... टचिंग ठीक है दे दे टच दे प्रेफर टू बी टच इसमें आपको मॉडर्न में ईरा में अगर आपको एक मिसाल दूँ कि जो लोग सेल्फी लेना चाहते हैं ना वो काइनेस्थेटिक ज़्यादा होते हैं क्योंकि सेल्फी में आप क्लोज होना चाहते हैं क्या होना चाहते हैं क्लोज यानी कि क्लोज वही होते हैं जो काइनेस्थेटिक को प्रेफर करते हैं और हमारी पॉपुलेशन में फीमेल्स आर मोर काइनेस्थेटिक फीमेल्स हमारी पॉपुलेशन में जो काइनेस्थेटिक मोडालिटी की ज़्यादा जो परसेंटेज है वो क्या कौन है फीमेल्स जी नहीं मैं उस सेंस में वो नहीं बात कर रहा मैं कर रहा हूँ कि देखें अगर आप विजुअल हैं ना तो आप आप सेल्फी को प्रेफर नहीं करेंगे क्लोज़ नहीं होना चाहते ठीक है ना हाँ एक सेल्फी में फ़र्ज़ करें एक फ़ीमेल का ग्रुप है तो उसमें एक विजुअल मोडेलिटी वाली बंदी है ना फर्ज़ करें सारी ही ग्रुप में फीमेल हैं तो सारी क्लोज़ हैं तो वो बिल्कुल थोड़ा सा साइड पर भी खड़ी होगी वो तो फिर भी हालांकि सारी फ़ीमेल्स हैं तो उसको किसी के साथ भी खड़े होने में कोई डर नहीं है लेकिन फिर भी वो साथ खड़ी है गॉट इट समाइम ये होता है कि फीमेल्स होती ना फर्ज करें आप आ, 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 कुछ मेल समझ रहे होते हैं यार ये फ़ीमेल आ रही तो बिल्कुल ही इसको डर ही नहीं बिल्कुल करीब आके ये बात करती है तो समाइम मेल उसको शायद गलत समझ रहा होता है लेकिन वो ऐसा नहीं होता उसकी पर्सनैलिटी है बिकॉज शी वॉन्ट टू बी वेरी क्लोज टू अदर पीपल उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज है कि क्लोज वो देखना चाहती है Got it? और ये मेल्स में काइनेस्थेटिक लोगों की जो जो परसेंटेज है वो कम है जी तो एक तो ये है जी अगर मिक्स हो तो वो फिर ऑलरेडी डिजिटल है वो एक आपने याद रखना अगर आप कहते हैं नहीं मैं ये भी, ये भी हूं ये भी हूं तो फिर आप कौन से हैं क्योंकि आप टेक्निकली लॉजिकली सोच के फिर चेंज कर रहे होते हैं ट तो ये अगर फ़र्ज करें मैं आपको थोड़े दिन पढ़ाता रहूँ ना तो आप सब की मोडलिटी जो है वो एडी बन जाएगी क्योंकि जैसे मैं लॉजिकली आपको बातें बता रहा हूँ तो आप भी लॉजिक को सुनना पसंद करना शुरू कर देंगे जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हमारी मॉडलिटी चेंज होती है बिकॉज हम इनवायरमेंट चेंज करते हैं क्या करते हैं क्योंकि हमारी जो मोडेलिटी ज़्यादातर पाकिस्तानी को विजुअल है क्या है क्योंकि हमें कभी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज़ तक लॉजिकली नहीं पढ़ाया जाता हमें लॉजिकली यानी कि हमें यही पढ़ाया जाता है कि पाकिस्तान के चार सूबे हैं बिल्कुल मोटी सी बात बता दी ठीक है हम हमें ये नहीं पढ़ाया जाता छोटी क्लासेस में कि अगर इतने बच्चे हों तो इतने अगर स्कूल्स हों तो हर स्कूल में इतने बच्चे पढ़ें तो क्या होगा हमें इस तरह की सोच में नहीं डाला जाता फॉर एग्जांपल मैं जब फ्रांस में था ना तो वहाँ पे ना हमारी लैब में कुछ बच्चे इंटर्नशिप करने आते थे समर में ना यानी कि एट्थ क्लास का या सिक्स क्लास का तो वो इंटर्नशिप रिसर्च में करना चाहते थे कि हमें रिसर्च बताए रिसर्च के फिर उनको हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट पे लगा जब छठी क्लास का बच्चे उसको हमने प्रोजेक्ट पे लगा दिया अच्छा जाके आप ना रोड के ऊपर बैठे तो आप जो गाड़ियाँ रेड हैं उनको काउंट करें कितनी गाड़ियाँ गुजरी उनमें से रेड कितनी गई ग्रीन कितनी गई वाइट कितनी गई हैं उसका फिर आप डाटा उसके ग्राफ बनाएँ मैनुअल ग्राफ बनाएँ उसमें ज़्यादा कौन सी गाड़ियाँ हैं तो फिर सोचें कि ये इस कलर की गाड़ियाँ ज़्यादा क्यों होंगी तो इस तरह उनका समर होता था ठीक है ना हमें तो लाइक एफ ए बी ए तक भी यही बताया जाता है कि कायद अजम के चौधानों को भाई हैं तो हम क्या करें उसको याद करने से हमारा कोई फ़ायदा नहीं उसको समझने से हमारा फ़ायदा होगा हमें समझाने की काम कोशिश की जाती इसीलिए आपकी जो मोडेलिटी है वो विजुअल ज़्यादा रह गई है इसीलिए अगर आप फर्ज करें यूरोप या अमेरिका से कुछ चार क्लासें पढ़ के आ जाना तो आपकी तबीयत साफ हो जाएगी <laughs> कि आपने सोचना कैसे है हर चीज का आपने आंसर लॉजिकली आपकी मोडलिटी चेंज हो जाएगी <laughs> जी अनकम्फर्ट <laughs> होंगे बिल्कुल जब आप यूरोप से पढ़ के वापस लैया जाएंगे तो फिर तो मसला बनेगा <laughs> <laughs> नहीं आपकी <laughs> तो अडोप्टेबिलिटी बढ़ जाती लेकिन अगले की तो नहीं ना बढ़ती जी आप हाँ बिल्कुल चेंज कर तो सकते हैं एक्सपोजर मिला है एजुकेटेड लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने आप को चेंज करते हैं ठीक है ना जो अपने आप को अफ़र्ज़ करें बिलावल साहब ऑक्सफोर्ड से पढ़ के हैं जब ये मिट्टी जाते हैं ना तो सर पे टोपी रख के और लंबा कुर्ता और लंबी शिलवार पहन के जाते हैं उनके मुताबिक बन के जाते हैं ठीक है लेकिन एक जो देसी बंदा है ना वो अगर कुछ भी पहनता है किसी पढ़े लिखे माहौल में नहीं जी थे अपना कल्चर नहीं चेंज करना वाली में भी उनका हाँ तो ये एजुकेटेड लोग होते हैं जिनमें फ्लेक्सीबिलिटी आती है एजुकेशन की एक खूबी है कि आप में फ्लैक्सिबिलिटी क्रिएट करती तालीम जो है अगर तालीम के बाद भी आप में जिद है रिजिडिटी है तो इसका मतलब है यू आर क्वालिफाइड बट यू आर नॉट एजुकेटेड इट सो विजुअल मोडलिटी का आइडिया हुआ थोड़ा सा अगर आपको लगे कि आपकी क्लास में विजुअल लोग हैं तो उनको गाइड ट्रेन कैसे करना है आपकी जो प्रेजेंट देखें फ़र्ज़ करें आपके अंदर कुछ चंक ऐसा बैठा ज़रूर होगा जिनकी प्रेफर्ड मोडेलिटी विजुअल होगी फॉर एग्जांपल मैंने ये स्लाइड्स ना बनाई होती वैसे ही सारी एन वैसे ही बता देता तो आप में से कोई पचास फ़ीसद लोगों को शायद अच्छा ही ना लगता हालांकि नॉलेज तो वही है जो मैंने दिया आपको लेकिन साथ में मैंने कौन सा टच दिया विजुअल टच दिया फिर मैंने आपकी बॉडी को भी विजुअल टच देने की कोशिश की है यानी कि बोल भी रहा हूँ साथ विजुअल टच भी दे रहा हूँ काइनेस्थेटिक भी दे रहा हूँ ये जो मैं मुड़ा हूँ ना काइनेस्थेटिक लोगों को इस तरह अच्छा लगता है इट yes. तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ही आके डेढ़ घंटा जो है मैं इधर ही आके लेक्चर दे के चला जाता तो मेरा ख्याल है आप बोर हो जाते आपको एन एल पी की समझ ही ना आती ठीक है ना तो यहां पे मैं जब खड़ा होता ना तो मैंने सिर्फ वर्ड्स बोलने थे क्या करना था वर्ड्स wow. और आपको पता है कि ट्रेनिंग में या ट्रांसफर के अंदर कम्युनिकेशन में वर्ड्स की कंट्रीब्यूशन कितनी सेवन yeah. परसेंट है तो आपको सात फीसद जो है वो फायदा होता अदरवाइज ना होता ज्यादातर जब पॉलिटिशियन आके स्पीच देते हैं आपको बुरी क्यों लगती कि वो एक ही जगह पर खड़े होते इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग यू नीड टू क्रिएट अ ड्रामा इफ यू आर आर नॉट आर्टिस्ट यू कॉन्ट इनकलकेट द थिंग्स एन योर स्टूडेंट्स तो आपको ये ये स्टेज है ठीक है आप मुझे हिल के दिखाएं जरा किधर कौन क्लास से बाहर मेंटली कोई भी नहीं जाएगा इन शॉट इट सो दूसरी मोडालिटी कौन सी है हाँ विजुअल को आपने कैसे ट्रेन करना है आपको लगे ना कि यार इसकी प्रेफर्ड मोडालिटी विजुअल है फर्श करें समाइम अब मैं थोड़ा सा क्लास से हट के भी आपसे बात करता हूँ कि जो विजुअल लोग होते हैं ना उनकी कोशिश होती है कि वो आपको कुछ लिख के समझाएं ठीक है ना उनकी उनके सबकॉन्शियस माइंड में शो करने की आदत है फर्ज करें टाइम मैं आपको रास्ता समझा रहा हूँ ना आप मुझे रोड पे ही मिल गए तो मैं आपने मेरे से कोई रास्ता पूछा मेरे पास ना बॉल पॉइंट मैं आपसे कोई बॉल पॉइंट है आप कहेंगे नहीं यार सॉरी नहीं अच्छा चलो कोई गाल नहीं देखो तुम ऐसे खड़े जे ना सीधा तुम्हें जाना है अब ये मैं विजुअल फिर भी मैं विजुअल को कहीं नहीं छोड़ रहा अब फर्ज करें आप फोन पे भी बात करें फ़ोन से भी आपको पता चल जाएगा विजुअल कौन है फॉर एग्जाम्पल आप किसी से फोन पे रास्ता समझा रहे हैं अच्छा यार आप उधर से जब आएंगे ना ये हाथ आप कैसे चल रहा है हालांकि वो नहीं आपका हाथ देख रहा आप उधर से जब आएंगे ना इसका मतलब है कि यू वॉन्ट टू शो समथिंग आपके पास कोई ड्रा करने के लिए कुछ नहीं लेकिन आप बॉडी से एक विजन क्रिएट कर रहे हैं गॉट इट तो ऐसे लोग जो होते ना जो विजुअल लोग होते हैं इनको समझाने के लिए एसोसिएशन अच्छी लगती है क्या लगता है जब आपको कॉन्सेप्ट समझाने लगे उसको कोई एसोसिएशन दे के समझाएं क्या दें एसोसिएशन का मतलब क्या एसोसिएशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको रास्ता है गाइड कर रहा हूं मैं कह तो आप सीधे चलते जाए एक किलोमीटर के बाद आप लेफ्ट हो जाए फिर राइट हो जाए फिर, फिर स्ट्रेट जाए अब जो विजुअल होगा ना ये भूल जाएगा वो आगे जाके किसी और से पूछेगा जब तक उसको कोई विजुअल बंदा नहीं ना मिलेगा वो पूछता रहेगा थोड़ा सा समझ लिया फिर जाके वहां पे पूछ लिया और जो विजुअल होते हैं ना वो पता क्या है कि अगर आप उसको विजुअली नहीं ना समझाएंगे वो थोड़ा सा आपसे समझेगा अच्छा ठीक है मैं आगे से पूछ लूंगा वो ये कहेगा अगर आपने उसको शुरू से सारा विजुअली समझा दिया ना तो वो ठग करके वहीं पे जाएगा अब विजुअली समझाने में आप एसोसिएशन दें आप कह रहे हैं कि जब आप सीधे चलते जाएंगे तकरीबन एक किलोमीटर के बाद ना टोटल का पंप आएगा अब टोटल का पंप एसोसिएशन है टोटल का पंप तो विजुअल लोग एसोसिएशन के साथ ज्यादा सीखते हैं और हमारी कॉम ज्यादा विजुअल है मैं पहले बता चुका हूँ कभी गोरा आप अमेरिका चले जाएं यूरोप कभी गोरा आपको ये एसोसिएशन ही नहीं देगा उस सीधी आप दो किलोमीटर सीधा जाएं ऑलमोस्ट टू किलोमीटर देन टर्न राइट और लेफ्ट जो भी वो कहेगा देन स्ट्रेट फॉरवर्ड फिर आपने यहाँ से मुड़ना जैसे आपको जीपीएस नहीं बता रहा होता जी कभी बताता है कि लाइक एथे पेट्रोल पम्पे ठीक है, है थे थे ना गोरमे दी हमारे यहाँ तो तीन चार आइकॉनिक चीज़ें ना गोरमे की बेकरी दोस्त से पी एस ओ पंप या टोटल पंप है तो विजुअल लोग एसोसिएशन को ज़्यादा पसंद करते हैं ठीक है तो वो क्वेश्चन अभी आपके जहन में होगा कि अगर आपने पूरी क्लास को पढ़ाना है तो आप हर तरह की चीज़ को लेके चले फिर आपको आइडिया हो जाता है कि इस क्लास में ज़्यादा किस मोडालिटी के लोग बैठे हुए फिर आप उसको ज़्यादा एंटरटेन करते हैं ठीक है so, सो तो इसको आपने Uh, जितना भी विजुअल एड्स आपको मिल सकती हैं ना आप विजुअल लोगों को ऐसे एंटरटेन करें इसी तरह जो नेक्स्ट मोडालिटी है वो ऑडिटरी है क्या है ऑडिटरी okay. मोडालिटी के लोग जो होते हैं ना वो उनकी जो वॉइस टोन होती है वो बिल्कुल मॉडरेट किस्म की होती है और उनको नॉइस बिल्कुल नहीं अच्छा लगता स्पेशली ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और दे ब्रीथ फ्रॉम द मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी और उनकी आदत होती है कि उनकी जो आइज होती हैं ये सेंटर में रहती हैं किस में रहती सेंटर, सेंटर में यहाँ पे और जो इनकी इस मोडेलिटी के लोगों का ज़्यादातर जो प्रोफेशन होता है वो आर्ट से होता है किस से होता है आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो जिनमें एहसास ज़्यादा होता है यानी कोई को पोइट हो सकता है कोई सोशल वर्कर हो सकता है इस मोडेलिटी की ज़्यादा कोई कोई लाइक like आर्टिस्ट किसी किस्म का भी हो सकता है लाइक कोई फिल्म स्टार हो सकता है ठीक है कोई सोशल वर्कर हो सकता है जिस तरह लाइक uh, like, uh, जो अब्रार इब्रारह है या जवाद है या शहजाद राय हैं ठीक है तो सोशल या पोइट हो सकता है बिकॉज दे मूव अगर आप थोड़ी देर उनके लिए फोकस करें तो उनकी आई बॉल जो है ना बिल्कुल हॉरिजेंटल रहते हैं ठीक है ना यहीं पर ही रह जाते हैं लेकिन जो विजुअल होते हैं उनके आई बॉल ऊपर मूव करते हैं उनकी जो डायरेक्शन है आई बॉल्स की वो ज्यादातर अप होती है और जो काइनेसेटिक होते हैं वो नीचे की तरफ होते हैं किसकी तरफ होते हैं <laughs> नीचे की तरफ ज्यादा उनका ट्रेंड होता है आई बॉल्स की मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही इसके ऊपर आगे दो तीन स्लाइड्स हैं वो भी आपको बता बताते एडी।, एडी जो है वो नीचे देखते हैं लेकिन लेफ्ट साइड पर देखते हैं जी ए डी नीचे देखते हैं लेकिन किस साइड पर देखते हैं और सेट एक नीचे देखते हैं लेकिन राइट साइड पे देखते हैं ठीक है तो आगे इसको फर्दर मैं अलेबोरेट करता हूँ तो इसी तरह जो ऑडिटरी लोग होते हैं ना ये सुनना ज्यादा पसंद करते हैं फर्ज करें यह एनएलपी ना सिर्फ आपको टीचिंग ट्रेनिंग में हेल्प कर रही क्योंकि मेरा ज्यादा क्योंकि आप टीचर से तो मुझे ये कहा गया था कि टीचिंग ट्रेनिंग में कैसे तो मैंने ज्यादा ट्रेंड इसकी मिसालों का आपकी ट्रेनिंग के लिए रखा लेकिन आपकी रिलेशनशिप में बहुत हेल्प करता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके जितने भी सर्कल में जो जो भी रिलेशन हैं फ्रेंड्स हैं स्पाउस है तो अगर आप अकॉर्डिंग टू मोडेलिटी बात करेंगे तो आपके अंदर कोहेसिवनेस ज़्यादा होगी आपके रिलेशनशिप ख़राब नहीं होंगे एक दूसरे को समझने में हेल्प मिलेगी आप उसकी मोडलिटी के बारे में बात कर ले फॉर एग्ज़ाम्पल जो ऑडिटरी लोग होते हैं ये सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं आपको पता चले ना फ़र्ज़ करें कि आपको पता चले कि आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं कि उसकी मोडलिटी ऑडिटरी है उसको लंबा करके एक्सप्लेन करें उनको अच्छा लगेगा लेकिन जो विजुअल लोग होते हैं ना वो आखिरी बात सुनना चाहते हैं उनको बुरा लगेगा अगर आप लंबी बात कहेंगे कहें तो फिर आप फंस जाते अक्सर आपको ये सुनने को मिल सकता अच्छा आखिरी गल दसो आखिरी डेफिनेशन क्या है कंक्लूजन नहीं सीधी बात करें क्या है अगर आपको पता चल जाए ना देखिए इंटरव्यू में आपके पास तीन चार मिनट होते हैं अगर आपने मोडेलिटी क्लिक कर ली तो गए आप अक्सर आपने देखा होगा ना नेचुरली यार तो मेरे भी नंबर सी सीधी सिलेक्शन होगी मेरी क्यों नहीं हुई मैं आपको बताता चलूँ कि आपकी जो सक्सेस है इसमें कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है यहां पे मेरी एक लाइन है कि यूर 95% फाइनेंशियल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ओनली 5% फाइनेंशियल ग्रोथ डिपेंड्स ऑन योर प्रोफेशनल स्किल्स क्या आपका प्रोफेशन क्या है दैट डर आपका प्रोफेशन सिर्फ आपको क्वालिफाई करता है कि आप यह काम कर सकते हैं उस काम में आपने कितनी ग्रोथ करनी है वो आपको आप आपकी कम्युनिकेशन बताती ठीक है ना वो आपकी बड़े बड़े लोग आप मार्केट में देखें सिर्फ कमाते ही कम्युनिकेशन से सिर्फ कम्युनिकेशन के बाद कैसे करनी अदरवाइज नॉलेज वाले भरी बड़ी प्रोफेसरों से यूनिवर्सिटियां बट दे आर अनएबल टू डिलीवर वो सिर्फ सैलरी पे गुजारा कर रहे होते मैंने ऐसे प्रोफेसर देखे जो अभी मोटरसाइकिलों पे आते हैं ठीक है ना तो आपकी एजुकेशन में इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत जरूरी है नहीं तो आप आने वाली जनरेशन को क्या बताएंगे कि एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है ठीक है जिस एक वो मैं एक जोक सा पढ़ रहा था एक एक कोई एडमिशन लेने आया ना किसी यूनिवर्सिटी में तो किसी प्रोग्राम में उसने एडमिशन लेना था तो उसने गार्ड से पूछा यार ये कैसी यूनिवर्सिटी है कहता बड़ा स्कोप है पढ़ लो तुम्हें ठीक है कहता वो कैसे कहता मैं भी है तू एम बी ए मैम ही ये तू एम बी ए तो फिर ये हालत होती है सो so, ऑडिटरी का कॉन्सेप्ट समझ में आया ऑडिटरी लोगों को एक्सप्लेनेशन ज़्यादा अच्छी लगती है उनके साथ उन उनसे क्वेश्चन पूछें तो ज़्यादा अच्छा लगता है फ़र्ज करें आपको आपका जो ज्यूरी मेंबर है जो आपसे इंटरव्यू कर रहा है अगर उसकी ऑडिटरी मोडेलिटी है इंटरव्यू के बाद आप उससे कहेंगे सर मे आई हैव अ क्वेश्चन एंड पे जाते जाते उसको अच्छा लगेगा विजुअल को नहीं लगेगा हुआ, कोई है, आप उसी, है? उसी को ड्रेस कर लें <laughs> आप उसी स्पेसिफिक बंदे को सर मेरा मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकता हूँ okay. आप उसी स्पेसिफिक बंदे की तरफ हो जाए जी सो so, इस तरह जो काइनस होते ना जो काइनस लोग होते इनके लिए एक मैं बात करता चलूँ ये जो ड्रेस लेते हैं तो अपने लिए ही लेते हैं आप ये बड़ा अजीब सा फिक्र मैंने कह दिया हाँ कि जो उनको अच्छा लगे वेरी गुड फ़र्ज़ करें मैं आपके पास यहाँ पे खड़ा हूं ना तो मैंने ये ड्रेस आपके लिए पहना हुआ है अपने लिए नहीं पहना मैंने आपके लिए पहना है क्योंकि मैं जाऊँगा अच्छा लगूंगा ठीक है मैं अपने लिए हो सकता है मैं अब आप, आप कभी मुझे कहीं भी भी देखेंगे तो मैं समटाइम प्रोफेशनल एक्टिविटी से बाहर हूँ तो मैं शॉर्ट्स में होता हूँ स्लीपर मैंने पहने होते हैं तो मेरे क्योंकि मेरे पास टाइम उतना होता है कि जितना टाइम मिलता है मैं ओपन शूज़ पहन लूँ या ओपन ड्रेस पहन लूँ इट लेकिन प्रोफेशनल सेटिंग्स में भी लोग सिर्फ अपने लिए पहनते हैं और वो काइनेस्थेटिक होते हैं यू नहीं कि डीला ढाला अपना कल्चरल ड्रेस जो भी कुछ कहे नो इशू इसका मतलब वो कौन है काइनेस्थेटिक है ठीक है और वो जब सांस लेते हैं दे ब्रीथ फ्रॉम द बैली वो मूवमेंट हो रही होती है ठीक है ना लंग्स मूवमेंट आवाज़ आ रही होती है साउंड की के सांस लेने की आवाज़ है फिर वो जब बैठते हैं तो वो रिलैक्स बैठते हैं फॉर एग्जाम्पल आपको आपके घर में भी काइनस्थेटे लोग होंगे फॉर एग्जाम्पल संडे का दिन है आप उठे हैं जनाब दो बजे उठे हैं दो बजे तक सोते रहे जैसे ही उठ के आए ना तो आपने लॉन्ज में टी ऑन किया साथ ही सोफे फिर लेट गए बिकॉज आप टेक लगाए नहीं बैठ सकते काइनस्थेटिक आपको आते ही पता चल जाएगा ये काइनस्थेटेक है गॉट इट कोई बॉडर नहीं करेगा कि मेरी ड्रेसिंग कैसी बिल्कुल बिल्कुल सिंपल वे में तो ये इनके ट्रेट होते हैं तो इनको इनको जब आप ट्रेन का ऑफर्स करें आपकी क्लास में कोई काइनेस्टेटिक बच्चा है ना उसका कोई इशू चल रहा है उसको आप टैप कर सकते हैं कोई बात नहीं आप इधर आओ मैं मेरे ऑफिस में आए आप उसको हाथ लगाएं जेंडर सेम होना चाहिए बाकी खैर ठीक है ना उसको आप टैप करते हुए ऑफिस में लेके जाएं बेटा बैठो बात सुनो उसको टच विजुअल को टच अच्छा नहीं लगता आप स्पेशली ये छोटे बच्चों में हम देखें ना फर्ज़ करें कोई छोटे बच्चे ऐसे उनकी कोई प्रॉब्लम चल रहा हो ना रो रहे हो तो आप उसको हाथ लगाएं तो वैसे भागता है या आपको धक्का देगा लेकिन एक बच्चा ऐसा उसको हाथ रखे वो साथ ही आ जाता है जो साथ आता है ना उसको स्पोर्ट अच्छी लगती टच अच्छा लगता है ग्रैप करना उसको अच्छा लगता है तो ये जो काइनेस सेट है कि इनको साथ मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा फिर आप देखते हैं ना कि पूरी क्लास में पूरी क्लास में फ़र्ज़ करें कि दो चार बच्चे बिल्कुल आपकी समझ में नहीं आ रहे बाकी को तो आप कैटर कर रहे हैं उनको आप इंडिविजुअल काउंसलिंग करें उनको इंडिविजुअली आप जाके बात करें सेट हो जाए हमेशा याद रखें क्लास में ज़्यादा फोकस उसके ऊपर करें जो जो क्लास में डिस्टर्बिंग स्टूडेंट है वो आपका आप उसको इग्नोर करेंगे तो वो कहीं और को ख़राब करेगा तो आपकी मेहनत किस पे ज़्यादा होनी चाहिए अगर आप कोई ट्रेनिंग भी देते हैं ना फ़र्ज़ करें आप ट्रेनिंग दे रहे हैं तो ये अब एन की टिप्स आपको दे रहे हो जाए ना हमारे पास टाइम बहुत बहुत कम है अदरवाइज़ बहुत सी चीज़ें फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेरे से बहुत अजीब अजीब क्वेश्चन करें फ़र्ज़ करें मेरा इतना नॉलेज नहीं लेकिन बट आई डोंट बॉदर एनी एनी वन ऑफ यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन लेकिन फ़र्ज़ करें आप शुरू शुरू में आपका इंटेलेक्ट इतना कोई अजीब सा क्वेश्चन एक बच्चा कर रहा है उसने एक किया ना तो बीच में ब्रेक होगी चाहे की तो आप सर आप कोई आपको हो तो आप मैं अलीहदा भी आपको ट्रेन करने को तैयार हूँ माशा आप इतने की तरीफ़ करें उसको रिस्पेक्ट दें बड़ा ठंडा हो जाएगा उसको आप चैलेंज करेंगे ना तो और उबरेगा जिससे आपकी पूरी क्लास का माहौल खराब होगा आप उन बच्चों पे ज्यादा फोकस करें जो आप, आप देखिए आप क्लास पढ़ा रहे हैं कुछ बच्चे ऐसे जो अजीब फील कर रहे हैं उनको खुश नहीं हो रहे हो सकता है उनका इंटेलेक्ट इतना ज्यादा हो कि जो आप बात कर रहे हैं उन्होंने पहले सीखी हो पढ़ी हो या उसको इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं ठीक है उनको आलहदा से थोड़ा सा आप कर लें डिवेल्प तो होती, होती कल्चर के साथ बिल्कुल नहीं देखिए, देखिए मैंने आपको कहा ना कि वाई पाकिस्तानी आर मोर प्रवलेंट इन विजुअल मोडालिटी क्योंकि हमारी सारी ओवरऑल ट्रेनिंग ही विजुअल हुई हुई है हम इंटेलेक्चुअली ज़्यादा नहीं सोचते लॉजिकली थिंकिंग हमारे में बहुत कम है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे कई लोग हैं ना ऐसे ऐसे मैस आया जी आपने जी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पचास हज़ार जीता है तो आप इस नंबर पर रबा करें ठक करके रब्ता किया अच्छा जी बिल्कुल आपने जीता है, पचास हज़ार आप ऐसे करें दो हज़ार रुपया पहले टैक्स देते फिर आपको हम ट्रांसफ़र कर देते ठक करके उसने दो हज़ार का जाकर टैक्स भी दे दिया उसने एक लम्हे के लिए ये सोचा कि यार मैंने जाके कि अप्लाई किया था बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इसका मतलब है कि वी हैव दिस लेवल ऑफ लॉजिकल थिंकिंग जब आपने काम किया ही नहीं है तो आपको कैसे इनाम आ सकता यू डिड इन पार्टिसिपेटेड आप वो कराची में प्रोग्राम हो रहा है अब क्या नाम है उसका जीत तो पाकिस्तान अब कई लोग इससे इस, इस फ्रॉड में आए हैं आप जनाब सियालकोट में बैठे हैं वो प्रोग्राम आपने एक मिनट के लिए नहीं सोचा कि यार मैं तो गया ही नहीं कराची या मैंने इवन किसी तरह से भी नहीं अप्लाई करा तो मेरा कैसे हो गया लेकिन आप फोन कर लेते बिकॉज हमारे यहाँ जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत कम है हमने तो मैंने आपको शुरू से कहा कि हमने हमेशा क्वेश्चन याद कैसे किए हैं लाइक पाकिस्तान के कितने सूबे हैं इससे इन्फॉर्मेशन आ रही नॉलेज नहीं आ रहा तो हमारा फिर इंटेलेक्ट भी ऐसे हो फिर हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो डैम नहीं बनाएंगे फिर डैम बनाने के लिए हम कोरिया से बंदे इम्पोर्ट करेंगे क्या हमें हमें सड़क मोटरवे बना के दें हमें फिर उनमें वो वो है ही लेवल ही नहीं है तो हमने शुरू से तो मोडेलिटीज़ जो हैं वो आपकी ट्रेनिंग से होती हैं कि आप किस कल्चर में ग्रो कर रहे हैं हो सकता हो सकता बिल्कुल हो But सकता है uh, you know, देखें आप उसकी आप उसकी ट्रेनिंग में उनको क्लोज कर सकते हैं नहीं नहीं क्योंकि मैंने तो एक ही माहौल दिया ना दोनों बच्चों को तो लेकिन वो दोनों डिफरेंट हैं नहीं, तो नहीं आप, आप किस तरह की पर्सनालिटी की बात कर रही मतलब तो लाइक एक बड़ा आउटगोइंग है एक थोड़ा सा हाँ वो जो इंट्रोवर्ट जो इंट्रोवर्ट उस तरह की जो पर्सनैलिटी है वो वो जेनेटिकल होती है तो ये जो मोडेलिटी का कॉन्सेप्ट है ये चेंजिंग होती है ठीक है ट्रेनिंग के साथ है आप इंटेलेक्चुअल बनना चाहते हैं तो आपको उसी तरह साइंस पढ़ाई जाएगी तो आप बन जाए ठीक है इस तरह फ़र्ज़ करें बॉर्न क्या पाकिस्तान में इंटेलेक्चुअल जो पैदा होते हैं वो नहीं बन सकते बन सकते हैं लेकिन उनको वो माहौल नहीं मिलता तो इसी तरह जो एडी लोग होते हैं जो एडी लोग होते हैं वो जब बात करते हैं ना वो सेंस की बात करते हैं यार दिस डजेंट मेक सेंस यानी कि ऐसे ही आएंगे ना बाहर से यार ये या आपने ए सी कहाँ पर लगा दिया वो एस्थेटिक सेंस को वो साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं यार ये पंखा ऐसे दरवाजा ऐसे ओपन होगा तो ये पंखा टकराएगा तो नहीं वो इस एंगल पे सोच रहे होते हैं ठीक वो सेंस की बात करेंगे किसकी बात करेंगे सेंस या लॉजिक की बात करें फर्ज करें ऐसे आप किसी से कहते हैं ना कि आप ना बदाम खाया करें अगर आप विजुअल हैं तो आप पता क्या घर जाते हुए दो किलो ले भी जाएंगे लेकिन आप एडी हैं ना तो आप पूछेंगे अच्छा ये क्यों क्यों जरूरी बदाम क्या करते ही? ये हमारे यहां पॉपुलेशन बहुत कम है आपने अक्सर कभी डॉक्टरों से पूछा है डॉक्टर कहते हैं कि जी आपने ये चाय के साथ दवाई लेनी है आपने कभी पूछा ये चाय क्यों ठीक है नहीं पूछते हम क्योंकि हमारे अंदर वो स्किल्स नहीं है बहुत कम लोग हैं जो आगे से रिएक्ट कर सकते हैं हाँ हैं लेकिन कम है, तो है, तो है। इसीलिए आपको बुरा लगता है तो इसका मतलब है आप एडी नहीं है <laughs> इसीलिए जब आप भी विजुअल से बात करें तो उससे भी ऐसा क्वेश्चन ना करें उसको भी बुरा लगेगा गॉट इट तो ये आपने यही तो आपने अपने आप को मैच करना है हाँ. मतलब बिल्कुल आप इसको अप्रीशिएट करें कि अगर वो ऐसे कह रही है तो वो शी कैन बी रियली गुड इन फ्यूचर हमारे यहां मसला ये है कि आपको खुश होना चाहिए कि अगर को आपका बच्चा आपकी बात पे कभी नो भी करे तो आपको खुश हो यार इसमें एक इंडिपेंडेंस तो है कि नो करने की आदत है ठीक है ना इसीलिए तो हमारे यहां कभी कोई एब्सोल्युटली नॉट ही नहीं कह सका है जी सो so, तो ये क्या ये हमेशा लॉजिकली अब इनको अगर आपने मेमोराइज करवाना ना तो प्रोसेस के जरिए करवाना है किसके जरिए वैसे प्रोसे इनको याद नहीं होता इन जिस तरह मैथमेटिक्स के हम स्टेप्स नहीं करते आप इनको प्रोसीजर के जरिए मेमोराइज करें अदरवाइज ये नहीं करेंगे उन्हें पूछेंगे ये ऐसे क्यों आया ये ऐसे क्यों है तो अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो ये ब्लैसिंग है ये क्या है ये ब्लैसिंग है कि उसका अपना दिमाग चल रहा है वो क्यों पूछ रहा है ये बहुत बड़ी बात है अगर ऐसा बच्चा तो जी इसी तरह इनको आप आ, इनको आप कैसे गाइड कर सकते हैं अगर आपका ऐसा बच्चा है? तो उसको ना पढ़ने के लिए कोई लिटरेचर दे रिसर्च को पसंद करेंगे वो ठीक है ना ऐसे जो एडी वाले बच्चे हैं ना वो पता है कि उन्होंने कोई चीज़ लेनी भी ना फ़र्ज़ करें आप एडी हैं तो आपने कोई मोबाइल लेना है तो फिर आप पहले गूगल पर जाएंगे व्यू अबाउट दिस मोबाइल फ़ोन आप पूरी उसकी डिटेल पढ़ेंगे इसकी मेमोरी पूरे स्पेक्स उसके जितने भी सारे पढ़ेंगे और आप ये याद रखें अगर आप एडी हैं ना और आपने किसी कोई विजुअल आदमी आपको साथ मार्केट में लेके जाता है ना तो आप उसको चीज़ नहीं लेने देंगे कोई तो यार ए चीज़ नहीं है ऐ नहीं है या आपके साथ कोई विजुअल चला जाता ना चीज़ आपने लेनी है वो थक जाएगा यार फिर ले लेना कभी क्योंकि आपने तो उसको गिड़ा अभी अच्छा ये कितनी इसकी अच्छा ये इसकी वारंटी कितनी एक साल की ये इंटरनेशनल है या नेशनल है अच्छा जी इंटरनेशनल भी है अच्छा मैं दुबई में जाऊं तो ये हो जाएगा वो भाई इंटरनेशनल है तो है ठीक है ना तो आपने उसको वो भी सर पकड़ अगर वो विजुअल हुआ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा अगर वो खुद भी एडी हुआ तो आपको बड़े तरीके से वो भी गाइड करेगा ठीक है तो इसीलिए ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टीचिंग ट्रेनिंग में इसको, इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फ्रेंड्स में रिलेशनशिप में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या मार्केट और सेल्स में जाते हैं तो आपको मोडेलिटी के मुताबिक बात करें तो आपको कितना बेनिफिट होगा ठीक थी। है हाँ घर में बड़ा फायदा हो सकता जी तो इसी तरह कुछ मूवमेंट आपको ना आई मूवमेंट से भी पता चल सकता है कि अगले बंदे की मोडेलिटी क्या है जिस तरह आई मूवमेंट ना तीन तरह की होती है एक आई मोवमेंट जो है ना ये मैं आपको बता देता हूँ एक आई मोवमेंट जो है ना विजुअल होती है जो विजुअल मोडेलिटी के लोग होते तो हैं उनके आई बॉल ज़्यादा ऊपर रहते हैं और ज़्यादातर ये मैं आपको बताऊँ जिसका मैंने आपको बताया कि विजुअल मोडेलिटी ज़्यादातर किस में फ्लो करती है लीडर्स में लीडर्स में तो इनके आई बॉल ज़्यादा मूव ऊपर करते हैं अब विजुअल मोडेलिटी के आगे दो दो सब टाइप्स होती हैं अगर आई बॉल्स ऊपर मूव कर रहे हैं और राइट साइड की तरफ कर रहे हैं तो ये विजुअल कंस्ट्रक्टेड होते हैं ये बात विजन की करेंगे लेकिन फ्यूचरिस्टिक बात करेंगे आप इनके साथ जब निगोशिएट करें तो आप विजुअल बात करें लेकिन फ्यूचरिस्टिक अंदाज में करें आपको पता चल मुझे पता चला ना कि आपकी विजुअल कंस्ट्रक्टेड मोडलिटी है तो मैं आपसे ऐसे बात करूंगा देखें आप पूछते हैं कि आप क्वेश्चन ही ऐसे फ्यूचर वाला करेंगे आप कहेंगे अगले पाँच साल में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं देखना चाहते हैं अगले पाँच साल में उसका फोकस ज़रा फ्यूचर में होगा तो आप उसको ऐसे शुरू ना करें कि देखे सर मैंने पांच साल वहां पर गुजारे वो क्या कहेगा कहेगा आखिरी मैंने क्या पूछा विजुअल बंदा इस पे ज्यादा फोकस करता है कि आखिरी बात बताओ आप उसे कहें कि इन नेक्स्ट ईयर आई एम लुकिंग माय सेल्फ आई एम आप ये नहीं कह सकते कि आई एम फीलिंग माय सेल्फ उसको ये फील का लफज भी नहीं इतना अच्छा लगेगा हालांकि बात आप वही कर रहे हैं उसको फील का लफ्ज़ अपील नहीं करेगी जैसा मैंने लास्ट टाइम भी एक मिसाल दे रहा था आपने अंग्रेज मूवी देखी अंग्रेज मूवी में जो वो फिल्म का जो हीरो है ना अपनी अम्मी को कहता है कि मुझे लव हो गया तो उसकी अम्मी को वो बेहोश हो जाती है अगर वो यही कह देता कि नहीं मुझे प्यार हो गया तो वो उसको शायद इतना डैमेज ना होता हो तो नहीं वन टू तो थ्री में समझने में हो सकता उसको मसला होता गॉट इट <laughs> सो so, ये वर्ड्स की जो केमिस्ट्री है बहुत मैटर करती है तो आपने अगर उसे ऐसे कहा कि नहीं आई एम फीलिंग माई सेल्फ वो कहेगा ये फीलिंग क्या होता है भाई लेकिन लुकिंग फॉरवर्ड में उसे कोई मसला नहीं होगा लुकिंग फॉरवर्ड में अब जिस तरह मैं एक पैनल में था संडे को पीएचडी के इंटरव्यू में, में बैठा हुआ था तो मेरे साथ एक साइन टाइप मोडेलिटी एक बंदी बैठी हुई थी तो कैंडिडेट ने कहा उसने पूछा कि आपकी पब्लिकेशन कितनी तो उसने कहा आई हैव अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व पब्लिकेशन तो वो तब की अगली मंदी अप्रोक्सीमेटली का क्या मतलब है अब जो ए डी है ही इज हीज वेरी स्पेसिफिक टू द नंबर्स अब हो सकता है उसकी इंटरनली उसको अच्छा ना लगा हो कैंडिडेट उसने किसी और को पिक कर ले तो ये मैटर करता है आपके पास तीन चार मिनट होते हैं कि ज्यूरी को सेटिस्फाई करने के अगर आपने टेक्निकली चीज़ें सेट कर ली तो आपकी सक्सेस है अदरवाइज आप फिर अक्सर ऐसे लोग भी आपको मिले यार पिछले महीने में छः इंटरव्यू देते कितने ही गल नहीं बनी हर इंटरव्यू में टाई शाही लगा के जाता रहा ठीक ये टाई शाही वाला दौर ख़त्म हो गया दूसरी कौन सी है ऑडिटरी के जो लोग होते हैं उनकी आई बॉल सेंटर में रहती हैं कहाँ रहती हैं सेंटर में रहती हैं ठीक है थीक? इन द मिडल और मैंने आपको बताया कि ऐसे लोग ज़्यादातर किस किस लेवल के होते हैं आर्टिस्ट लेवल के होते हैं जो एहसास करने वाले ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे ऐसे लोगों के साथ अगर आप स्पिरिचुअल बात करेंगे ना तो उनको अच्छा लगेगा फर्ज करें आप ऐसे बंदे के जी ये तो बस अल्लाह ताला की गेम उसको अच्छा लगेगा लेकिन साइंटिफिक बंदे को ये नहीं अच्छा लगता कि जो अल्लाह ने चाहा फिर देख लें उसको नहीं अच्छा लगता उसके साथ आप साइंस की बात करें ठीक है ठीक है वो चाहे मुसलमान भी है लेकिन वो कहता है यार अल्लाह भी तो कहते हैं मेहनत करोगे तो कुछ होगा ना वो इस चीज़ को जरा लेता है तो वो अपीलिंग नहीं होगा उसके लिए तो इसी तरह जो नीचे लोग देखते हैं मैंने आपको बताया कि नीचे दो तरह होता है कि अगर आप राइट साइड पर नीचे देख रहे हैं तो आप कायनेस अटेक हैं क्या है कायनस अटैक आपको बताया कि उनके साथ लो वॉइस टोन में बात करनी ठीक है उनको कभी मिलने जाए तो ड्रेसेंग पे फोकस ना करें कोई जरूरत नहीं वो हो सकता है उसको अजीब लगेगा टाई शाई लगा के आ जाते हैं उसका ये मानना होगा विजुअल बंदा कहता है यार ये देखें कितने ड्रेस अच्छे ड्रेस में हो होके आएँ आपको पता चला है कि जहाँ पे आप जिस बंदे को मिलने जा रहे हैं वो कायने सेटिक है वो आपको आप मलंग बन के जाएँ तो देखो कितना बंदा सादा वो अपना एंगल ही चेंज कर लेते हैं लोग आपने देखें आपके मुताबिक ये ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो सकती है लेकिन जिससे आपने काम लेना है क्या उसके मुताबिक है अगर आपने काम लेना तो फिर आपके अंदर क्या होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वेरी गुड ठीक है अगर नहीं है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेनू की फिर मसला बनता है तो ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर फ्लैक्सीबिलिटी को होना बहुत जब आप एक बड़े कंपेटिटिव इन्वामेंट में रह रहे हैं इसी तरह जो आईज अगर डाउन हैं लेकिन किस साइड पे हैं लेफ्ट साइड पे हैं तो ये ज़्यादा एक ही बात को ज़्यादा फोकस करते हैं कीड़े ज़्यादा निकालते हैं एक ही बात में रहते हैं और ऐसे लोग कभी बड़ी पोजीशन पर लीड नहीं कर सकते ये चीज़ें आपको रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में बड़ी हेल्प करेंगे अगर आप में से कोई एच हैं तो आप में ये ये साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छी मोडालिटी है जो रिसर्चर है ना ये अच्छा रिसर्चर साबित हो सकता है क्योंकि ही आर शी विल बी इन वन एरिया वो फोकस वो बड़ी मोडालिटी को नहीं सोचेगा दिस इज़ द रीज़न आपने कभी रिसर्चर्स को कभी लीडरशिप बड़ी यानी कि जैसे पोलिटिकल लीडरशिप्स होती वहाँ पर आप नहीं देखेंगे कोई साइंटिस्ट आपको लीडर नहीं मिलेगा Sign, आपको लीडर हमेशा बैक बेंचर मिलेंगे आप इमरान खान की डिविजन चेक कर लें जरदारी साहब की क्वालिफिकेशन देख लें मियाँ साहब की क्वालिफिकेशन देख लें मरीम साहब आपकी आप क्वालिफिकेशन देख लें आपको बिल्कुल हाई टेक क्वालिफिकेशन नहीं मिलेगी ठीक है इवन चाहे इमरान खान जो है वो ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ा लेकिन उसकी जो थर्ड डिवीजन में थर्ड डिवीजन में उसका मास्टर्स है ठीक है तो देखिए उसकी एक साइंटिफिक लॉजिक है आप पूछे मेरे से उसमें ये होता है कि जब आप थोड़ा पढ़ते हैं ना आपका दिमाग और बहुत से एरियाज में चल रहा होता है तो आपको आइडियाज़ आते हैं आप बहुत बड़ा कर रहे हैं कि सोचते हैं लेकिन आप मेहनत ज़्यादा जब करते हैं ना बुक वाम बनते हैं तो फिर आप ग्रेड्स आपके अच्छे आ जाते हैं लेकिन आपका फोकस सिर्फ वही होता यू मे भी आप 17 ग्रेड ऑफिसर लेकिन आपका विजन इतना होता ठीक है ना अब फर्ज करें कभी बिल गेट जो है वो कमिश्नर बना होता तो आज बिल गेट ना होता ठीक है ना दिल इन वाइडर फॉर्म्स ठीक है तो, तो आगर ये आगर बात करें तो तो चांस है तो बात हाँ वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि इनके सम हम रॉन्गली बाई मिस्टेक लीडरशिप सिलेक्ट हो जाती तो फिर वो अलहदा सीन है एक ठीक है तो इसी तरह मैं आपको बताऊं कि ये जिस तरह मैंने डिफरेंट प्रोफेशन में मॉडलिटीज़ की बात की आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल फॉर एग्जांपल इफ़ यू द लुकिंग एट द आई फ्यूचरिस्टिक आई बाल्स ऊपर की तरफ इनका ट्रेंड है अगर आप कायदे अजम की कोई भी तस्वीर देख लें ज्यादा इनके आई बाल्स ऊपर की तरफ होंगे तो इसी तरह अगर आप ओबामा को देखें तो, तो लीडरशिप में आई बॉल ज़रा ऊपर होते हैं आप इसकी कोई भी तस्वीर उठा के देख लें आपको आई बॉल्स का ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं कि इनके आई बॉल्स नीचे नहीं आते लेकिन फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा ऊपर रहते हैं फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा इस तरह आप ज़रा मियाँ साहब को देखें लाइक फ्रीकुनसी में इनके आई बॉल्स ऊपर हैं ठीक है इसी तरह आप खान साहब को आप देख लें लाइक आई बॉल्स ऊपर है इसी तरह अगर आप ऑडिटरी में जाएँ तो आई बॉल्स बिल्कुल सेंटर में जिस मैंने एहसास की बात की थी ठीक है इस तरह आर्टिस्ट लोग आप देखेंगे ही दिस इज अ साइंटिस्ट ठीक है ना इसका आईबॉल्स नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड पर तो ये दे आर फोकसिंग इससे आप पूछें ना कि कंट्री को कैसे चलाया जाए इस तरह हम ना समाइम बड़े इमोशनल हो जाते हैं पाकिस्तानी यार ये ना डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को सदर होना चाहिए था यार वो साइंटिस्ट ही अच्छे हैं ठीक है ना वो साइंटिस्ट ही अच्छा काम कर सकते हैं ठीक है तो इसी तरह सम हम ना बड़े इमोशनल होकर बात करते हैं ठीक है तो इसी तरह ठीक है इसी तरह आप मैंने एक ज़रा बंदी की भी तस्वीर डाल दी मैंने कैसे ज़रा सारे नाराज ना हो जाएंगे <laughs> अब मैंने आपको बताया था ये आई की जो मूवमेंट है ना ये आपके पूरे चेहरे को भी एक इनोसेंस जो बीच में ऑडिटरी होते हैं ना यू सेंड उनके अंदर पूरा इनोसेंट फेस भी नज़र आता है क्योंकि आर्टिस्टिक में एक एहसास होता है तो इसमें एक एहसास बहुत आपको रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा होता है इसी तरह ये मेरा आखिरी स्लाइड है तो इस तस्वीर से आपको क्या लगता है देखिए मैंने सिर्फ आई मूवमेंट के ऊपर बात की तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि थ्रू असेसिंग द आई मूवमेंट यू कैन असेस द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन सो तो यहाँ भी मेरी एक लाइन है कि आईज आर द सेल्फी ऑफ द सोल सो तो विद दिस कोटेशन आई एम रियली थैंकफुल फॉर लिसनिंग माई टॉप ये एन मैंने आपको बताया है कि एक बहुत ये आपको छः माह भी पढ़ेंगे तो बहुत कम मैंने आपको आज सिर्फ़ एक टेक्निक बताई है कि ऑन द बेसिस ऑफ मोडेलिटी हाउ यू कैन सिंक्रोनाइज यूर सेल्फ विद अदर पीपल इसके अलावा एंकरिंग है चंकिंग है हिपनोस है इसके साथ मेटाफॉर uh, है इसके साथ स्विच पैटर्न टाइम लाइन लाइक टू डिसक लॉट ऑफ टेक्निक्स आर अवेलेबल टू सिंक्रोनाइज विद अदर पीपल